नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ दीपक भोला, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर। तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं इको नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए इको 4 क्यों बनाई गई है, पहले तो आपको पता होना चाहिए अपने इस कम टाइम में। ठीक है, आगे जो फिजिक्स का रिवीजन करना है, इन रिवीजन को हम बहुत बढ़िया तरीके से इको के थ्रू द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इको में टोटल 16 पेपर रखे गए हैं। ठीक है, हर पेपर में यहाँ पे 90-90 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, पूरी फिजिक्स को अपन ने कवर किया है। ठीक है, ताकि आपका बहुत बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ते हुए अपन चालू करते हैं फोर्थ इको, जो आपकी इसमें वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन, इनको कवर किया गया है। तो चलो इसका करते हैं अपन सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ इंक्रीज टू डबल, देन यूनिट ऑफ एनर्जी बिकम्स। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अपन जानते हैं, एनर्जी या कहते हैं वर्क डन। ठीक है, एनर्जी के लो या वर्क डन के लो, एनर्जी या वर्क डन किसके इक्वल होती है यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी और वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अपन ने इसको भी कितना कर दिया डबल, और इसको भी अपन ने कितना कर दिया डबल, लेंथ को भी डबल कर दिया एंड फोर्स को भी डबल कर दिया। तो डबल कर देंगे तो एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 times, 4 गुना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4th, मतलब 2, 4 गुना जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है आपसे, अ मैन पुशेस अ टेबल बट कैन नॉट डिस्प्लेस इट। मतलब एक आदमी है, टेबल को धक्का दे रहा है बट उसको सरका नहीं पा रहा। ठीक है, तो इस केस में उसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसलिए वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन क्या जाएगा यहाँ पे, जीरो जाएगा, ये अपन देख सकते हैं इसका। ठीक है, चलो आए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए आपसे बच्चों क्वेश्चन 3, अ फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए 5 kg बॉडी। ठीक है, 5 kg बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसमें 10 m/s की फाइनल वेलोसिटी हो रही है, तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी रखिए 10 m/s। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू होता है डेल्टा के ई से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से अपन देखते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं वर्क एनर्जी फॉर्म, सुना होगा आपने कार्य ऊर्जा पर में वर्क एनर्जी फॉर्म, तो हाफ इंटू मास, मास कितना है पे 5, और फिर चेंज इन वेलोसिटी से वहां पे क्या करेंगे, v2² - v1², तो v2² करेंगे तो 10² - 0² कर दो तो कितना हो जाएगा, ये तो हाफ इंटू ये कितना हो गया 100, मतलब 500। तो यहाँ पे 500 बाई 2 करने पे कितना बनेगा, 250 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड, टू मतलब फर्स्ट, 250 जूल, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़े, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे अगर देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, व्हाट विल बी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 kg मास एट 1 m हाइट इन 1 सेकेंड। 1 kg मास को आप 1 m हाइट तक लेके जा रहे हो, ठीक है, 10 kg मास को 1 m हाइट तक इन 1 सेकेंड, तो वर्क डन निकालना है। तो देखो वर्क डन इज इक्वल टू किसी बॉडी को ऊपर उठा ले, ऊपर उठा रहे हैं, तो वर्क डन हमें किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक, गुरुत्व के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है, जिसका मान क्या होता है, mgh। ठीक है, तो mgh हमें यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला mgh। ठीक है, तो लगाते हैं w इज इक्वल टू mgh। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया, w बराबर mgh होता है, तो m यहाँ पे कितना दे रखा है 10। ठीक है, ग्रेविटी अपन जानते ही है 10 होती है। ठीक है, और यहाँ पे हाइट की दे रखी है, यहाँ पे 1 m mgh। ठीक है, m 10 kg, ग्रेविटी 10 एंड यहाँ पे हाइट 1 m। यहाँ पे टाइम का बच्चों कोई यूज नहीं है। ठीक है, टाइम का यूज केवल अगर, हाँ शक्ति पूछता ना आपसे पावर फाइंड करो, तो हम यहाँ पे टाइम का यूज करते, अभी यहाँ पे टाइम का कोई यूज नहीं है। तो कितना जाएगा आंसर यहाँ पे 100। ठीक है, 100 जूल, कौन सा आंसर आ गया, 4th। ठीक है, तो इस तरह अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखें इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4th तो अपन ने कर ही लिया, चलो 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन 5 में दो क्या कह रहा है आपसे, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन 5 बोला गया कि पोजीशन ऑफ 4 kg पार्टिकल। ठीक है, 4 kg पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हमें
x बराबर 3t square plus 2t plus 1 के अनुसार दी गई है। हमें क्या निकालना है, वर्क डन इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना यहां पे वर्क डन होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू यहां पे हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम में वेलोसिटी यूज पड़ती है, तो हमें x दे रखा है तो पहले वेलोसिटी निकालें। तो v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dx अपॉन dt। तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt से पहले इसका करें डिफरेंशिएशन, तो कितना बन जाएगा ये 6t, इसका कितना हो गया 2, ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे देखें पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहां रखोगे तो कितनी आएगी 2, क्या t इज इक्वल टू 0 रखने पे 2 आ गई। फिर t इज इक्वल टू पे निकालें इसकी फाइनल वेलोसिटी v2, v2 इज इक्वल टू यहां पे रखिए t का मान 2 रखना है, तो ये कितना हो गया 14, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है 14। अब यहां पे लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम, w इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ m, मास कितना रखा है 4 इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 384 जूल, मतलब फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका 384 जूल। ठीक है, ऐसे अपन उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखें यहां पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, आपसे कह रहा है कि हम इस किसी बॉडी पे इतना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है 2 kg ऑब्जेक्ट पर, जिसका इसका विस्थापन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, क्या निकालना है कि आपको डिस्प्लेसमेंट देखा है और का वर्क डन कितना है 4 जूल, 4 जूल इस पर कार्य हो रहा है, बल लग रहा है इतना, विस्थापन इतना है और कार्य हमें दे रखा है 4 जूल, वर्क डन की वैल्यू क्या पूछा जा रहा है आपसे, लैम्डा का मान। ठीक है, लैम्डा हमें निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे लैम्डा, यहाँ पे वर्क डन हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पता ही आपको। ठीक है, तो वर्क डन रख दो कितना है 4, अब एफ डॉट एस करें, डॉट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। ठीक है, आई को आई के साथ करो कितना आएगा लैम्डा, फिर इसको इस जे को जे से करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा, 2 को माइनस से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो कितना आ गया, माइनस 2 को उठा के इधर ले आओ, कितना गया 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 2 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3, कौन सा ऑप्शन है 4th, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3, ये अपन टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 6 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, देखिए सेवंथ क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट इज 4 m/s टुवर्ड्स ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, हमने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी कितनी 4 m/s, आपसे कह रहा है इसके रुकने तक कुल कार्य कितना होगा, टोटल वर्क डन निकालना है। तो यहां भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, डेल्टा के। तो बच्चों बहुत सुंदर है वर्क एनर्जी थ्योरम, काफी ब्यूटीफुल है, इससे कई सारे क्वेश्चन बहुत इजी हमें सॉल्व आते हैं। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम यहां भी यूज हो रही है, देखिए यहां बच्चों इनिशियल वेलोसिटी रखिए, रुकने तक फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगी 0 जाएगी, तो यहां से हमें निकालना है नेट वर्क डन, हमें निकालना है, तो देखिए नेट वर्क डन यहां पे सॉल्व करें, नेट वर्क डन की वैल्यू तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी की, तो w इज इक्वल टू क्या होता है, w इज इक्वल टू डेल्टा के मतलब हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, हमें करनी है। ठीक है, तो हाफ m कितना दे रखा है यहां पे, m आपको दे रखा है यहां पे 2 kg। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी रुकने तक इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 गई तो माइनस में। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी है 4, तो 4 स्क्वायर कर दो, 4 स्क्वायर ये 2 से 2 गया, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना हो गया ये माइनस 16, माइनस 16 जूल, तो ये आ जाएगा इसका आंसर सेकंड, 7 का सेकंड आएगा 7th का। ठीक है, चलो अब आगे देखें इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे एक सैटेलाइट है m, सैटेलाइट का द्रव्यमान m दे रखा है, मास m, कह रहा है मूविंग अराउंड अर्थ ऑफ मास m एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन हाफ साइकिल। तो यहां पे जो ग्रेविटी लग रही होती है mg फोर्स, वो हमेशा इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होता है, मतलब उसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उसके लंबवत लग रहा होता है। ठीक है, इसलिए यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी सर्कुलर मोशन में, आप जानते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है 0,
अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है, क्योंकि अभी केंद्रीय बल जो लग रहा है वो हमेशा उसके विस्थापन के लंबवत लग रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे जीरो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमेशा ये जो सेटेलाइट चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ये सेटेलाइट चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसका वेग और विस्थापन, तो विस्थापन को चलो यहाँ पे एस वेक्टर देखें इस तरफ है, और जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इस तरफ है, ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन कब जाएगा, जीरो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फोर्थ आ गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 100 केजी का एक मास मैन है जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, ठीक है, और ये इसके 50 किलोग्राम को अपने हाथ पे लेकर, ठीक है, अपने सिर पर रख के चल रहा है आगे, आगे गति कर रहा है और चढ़ रहा है ऊपर। कितना चढ़ रहा है, कह रहा है 10 स्टेप, मतलब 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी रखी है, 0.2 मीटर, ठीक है। द वर्क डन इन क्लाइंबिंग, इस चढ़ने में इसका वर्क डन कितना हो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बच्चों इसमें वर्क डन निकालें, इसके अंदर वर्क डन इन क्लाइंबिंग, तो यहाँ पे W बराबर क्या होगा, MGH, क्योंकि मैन यहाँ पे फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और चढ़ भी ऊपर ही रहा है, तो इसलिए वर्क डन बाई मैन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, MGH करेंगे M। टोटल मास कितना ऊपर शिफ्ट कर रहा है वो देखिए, इस बॉक्स को तो, इस पिंड को तो लेके जा ही रहा है 50 किलोग्राम लोड को, और खुद को भी तो ऊपर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे इस मैन को ऊपर ले जाने में टोटल कितना मास को ऊपर शिफ्ट कर रहा है वो, खुद को प्लस इस लोड को, टोटल मास कितना ले जा रहा है ऊपर, ये 150 किलोग्राम। ग्रेविटी यहाँ पे 10 है, ठीक है, और हाइट कितनी, हाइट तक लेना है 10 स्टेप है, 0.5 मीटर सबकी हाइट है, तो टोटल हाइट कितनी होगी, 5, यहाँ पे गुणा कर दो 10 × 0.2, मतलब ये हो जाएगी 2, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा रिजल्ट, ये तो हो गया 2, ठीक है, और ये कितना हो गया 1500, तो 1500 × 2 करेंगे कितना बन जाएगा 3000, तो आएगा 300 जूल, ये आ जाएगा वर्क डन इसका, ठीक है। चलो अब आगे देखें इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम यहां पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सफिशिएंट हाइट, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, ऊपर से अपन गेंद गिरा रहे हैं, ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा ये हमें निकालना है। तो इसको देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स तो फिक्स होता है, गुरुत्वीय बल का मान तो कितना होता है mg, अब नीचे आने पे उसका विस्थापन अलग अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, एवरी इक्वल टाइम इंटरवल में, समान समय अंतराल में, आप जानते हो जो डिस्प्लेसमेंट का रेशो होता है, विस्थापन का अनुपात पढ़ा ही आपने मोशन 1D में, कितना होता है 1:3:5 इस रूप में होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर वर्क डन का मान भी उसी विस्थापन के अनुपात में होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन का मान किसके समानुपाती हो गया, डिस्प्लेसमेंट के। तो जो अनुपात डिस्प्लेसमेंट का आएगा वही अनुपात वर्क डन का आएगा, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, ये वही 1:3:5 आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपसे, देखिए यहां पे वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट विल बी, मतलब बल लगा रहे हैं अपन, फोर्स लगा रहे हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे कार्य का मान ज्ञात करना है। और जो यहाँ पे कार्य का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ये जो आपको दिखा रखा है एक अर्ध एक हम यहाँ पे कैसे सेमी लिप्स के रूप में ग्राफ दिखा रखा है, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे सेमी लिप्स ग्राफ है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, देखो आप सीधी बात है, बल का एक्स के साथ ग्राफ दे रखा है, तो कार्य कैसे निकालना है, एरिया की सहायता से, ठीक है। कार्य अपन निकालेंगे यहाँ पे एरिया की सहायता से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो एरिया W is equal to अपन जानते हैं एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, एफ एक्स ग्राफ का हमें क्या लेना है, एरिया, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है, यही एरिया को बताएगा, वर्क डन बताएगा। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, एरिया, एरिया कैसे निकालें, ये सोचो सेमी इलिप्स है, ठीक है, अर्ध दीर्घवृत्त है, ठीक है, पूर्ण दीर्घवृत्त होता है तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई R1 R2, लेकिन अर्ध दीर्घवृत्त है तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ पाई R1 R2, हाफ पाई R1 R2 ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं चलो हाफ पाई R1, R मतलब x अक्ष पे जो त्रिज्या बन रही है कितनी बन रही है, पूरी इसका व्यास कितना x नॉट, इसकी आधी कर दें कितनी त्रिज्या, x नॉट बाई 2, तो ये कितना है x नॉट बाई 2 है। अब इसका y अक्ष पे व्यास, y अक्ष पे त्रिज्या कितनी है रेडियस की, f नॉट, y अक्ष पे त्रिज्या f नॉट है, ये रख दो f नॉट, तो कितना आ गया मान, ये आ गया पाई x नॉट f नॉट अपॉन
फोर, तो पाई एक्स नॉट एफ नॉट अपॉन फोर कौन सा है, ये थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है भी। चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे आगे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, तो अपन अच्छा 11 सोल्व कर लिया ना, 12 क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, यूजिंग अ स्ट्रिंग, एक डोरी की सहायता से, स्ट्रिंग की सहायता से क्या कह रहा है आपको करना है। ठीक है, डोरी की सहायता से द्रव्यमान एम के पिंड को ऊंचाई एस तक नियत त्वरण से चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डोरी में तनाव बल द्वारा किया गया कार्य बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कार्य का मान ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे कार्य, देखो इधर यहाँ पे समझना, W बराबर, पहले तो बच्चों यहाँ पे इस बॉडी को हम ऊपर ले आ रहे हैं, ठीक है, तनाव बल इसको ऊपर लगा रहे हैं और एम जी बल का लग रहा है नीचे, और इसको हम ऊपर ले आ रहे हैं त्वरण ए से। इस ए का मान कितना रखा है, ए बराबर कितना दिया है, जी बटा दो, ए बराबर जी बटा दो दिया है। तो पहले तो यहां से हम देखें तनाव का मान कितना होगा, यहाँ पे टी बराबर एम इंटू जी प्लस ए। पहली बात तो तनाव का मान निकालेंगे, टेंशन का मान एम इंटू जी प्लस ए आएगा। ठीक है, तो जी प्लस ए, ए का मान रख दो यहाँ पे कितना, जी बाई टू, तो जी बाई टू रख दिया तो कितना हो गया ये 3g/2। ठीक है, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ एम जी, ये हो गया टेंशन फोर्स का मान, तनाव बल का मान आ गया। अब क्या निकालना है, कार्य। ठीक है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इस तनाव की हेल्प से इसको कितना विस्थापित कर रहे हैं ऊपर की ओर, एच, एच इसका ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ रख दो कितना आ गया ये 3/2 mgh, 3/2 mgh, तो कौन सा आंसर आ गया ये फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा 3/2 mgh। क्लियर, चलो ये तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया, आगे आए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन, एक बॉडी है इस पे अपन जो बल लगा रहे हैं कितना लगा रहे हैं बल, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 3xy। ठीक है, जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट इस पाथ के थ्रू, y बराबर x पाथ के थ्रू इस पथ पे चलता हुआ इसका विस्थापन कहां से कहां हुआ, 0, 0 से 1, 2a तक इसका विस्थापन हो रहा है। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे इस बल के द्वारा किया गया कार्य हमें बताना है क्या होगा, इसका कार्य का मान, वर्क डन का मान। तो देखिए यहाँ बच्चों फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, तो यहाँ पे कार्य कैसे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू, ठीक है, तो इंटीग्रेशन की सहायता से अपन निकालेंगे यहाँ पे कार्य का मान। तो देखिए W इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ बच्चों बल जो लग रहा है ये कहाँ लग रहा है, देखो आई का गुणनफल है, आई का गुणनफल, तो इसलिए ये चीज क्या बेटा आपको एफ एक्स दे रखी है, एफ एक्स। ठीक है, एक्स दिशा में लगने वाला बल एफ एक्स गिवन है, इसलिए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आई का गुणनफल, आई का जो मल्टीप्लायर है वो एक्स कंपोनेंट होता है, मतलब एक्स दिशा में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए, और लिमिट एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर ए तक, ये इसकी लिमिट दे रखी है, तो जीरो से लेकर ए तक इसकी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, 0 to a एफ एक्स कितना रखा है यहां पे, रख दो 3xy dx। अब बेटा यहां पे इसमें देखिए, यहां पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, बट यहां बीच में वाई आ रहा है, तो पहले इस वाई को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ये जो आपको मान दे रखा ना वाई इज इक्वल टू एक्स, इसकी हेल्प से वाई का मान यहां पे एक्स रख दो, तो वाई को एक्स रख देंगे, वाई को एक्स रख देंगे, तो 0 से a 3y को रख दिया मैंने, एक्स रख दिया, ठीक है dx। तो देखो 3 तो कॉन्स्टेंट है, ओके है कि नहीं कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x³/3। ठीक है, लिमिट 0 से a है, तो 3 से 3 कट गया, क्या गया आंसर, a³। तो a³ ये आ जाएगा वर्क डन की वैल्यू, a³ तो कौन सा आंसर है, फर्स्ट, तो 13 का फर्स्ट ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पाए अपन, ये रहा क्वेश्चन 14 आपसे कह रहा है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग्स आर K1 एंड K2, दो स्प्रिंग है जिनका नियतांक के मान दे रखे K1 तथा K2। ठीक है, हमें कह रहा है कि दोनों स्प्रिंगों को समान बल से खींचना है, तो समान बल से खींचने में कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना है। तो देखिए यहाँ पहले हमें स्प्रिंग फोर्स को क्या करना पड़ेगा, देखो वर्क डन का मान पर लिखे किसके रूप में, स्प्रिंग फोर्स के रूप में, तो आप जानते हो बेटा यहाँ पे वर्क डन की जो वैल्यू होती है, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, W इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, पढ़ाई होगा आपने बचपन में हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसको अपन ऐसे लिखते हैं F² / 2k। ठीक है, F² / 2k, क्योंकि ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर k² x² का बन जाएगा F² और नीचे आ गया 2k। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, समान बल लगा के यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स, इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये चीज क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/k, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो यहाँ पे W/W2 निकालेंगे, W1/W2 निकालेंगे तो क्या आएगा,
के टू अपॉन के वन, तो के टू अपॉन के वन कौन सा आंसर आ गया, सेकेंड। ठीक है, तो चलो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है 15 आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको यू गिवन है, यू का मान गया है 2 - 3x2 और आपसे कह रहा है कि लगने वाले बल का मान बताना है। तो चो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में संबंध पढ़ाई आपने क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स की सहायता आपसे अपन करेंगे सॉल्व, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि हमें पोटेंशियल दे रखी है, लगने वाले बल का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहां से माइनस डी अपॉन डी एक्स और यू का मान दे रखा है 2 - 3x2। ठीक है, तो इसका करें डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस तो इसे आगे 2 का क्या हो जाएगा 0 और ये माइनस कितना बन जाएगा 6x, तो कितना हो गया ये 6x के इक्वल। तो यहाँ पे f इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा बेटा x। ठीक है, f इज प्रोपोर्शनल टू x ये निकल गया, तो कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट, 15 का फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर, आई बस समय, चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, इनमें से कौन सा संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स से बताना है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं बेटा, जिनकी प्रेजेंस में आप ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें कोई मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो कौन सा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ही ऐसा फोर्स है जिसमें हम देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसकी उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाया जा सकता है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग नियत रहता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा इसका फोर्थ। चलो उसके बाद देखें 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है कि दो पिंड समान संवेग से गतिशील है, मोमेंटम उनका सेम है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो चो काइनेटिक एनर्जी का अपन देखें मोमेंटम के साथ संबंध क्या होता है, तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता ही होता है, लेकिन वो तो E का m और v के साथ रिलेशन है, E का p तथा m के साथ रिलेशन क्या होता है, ये E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से कह रहा है कि यहां पे अब बेटा यहां पे हम समान संवेग से गतिशील, मतलब ये चीज सेम दे रखी है, ये सेम दे रखी है, तो यहां पे E प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1/m, तो जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, ज्यादा होगी, तो क्या जाएगा इसका आंसर, जिसका द्रव्यमान कम है। ठीक है, दो समान संवेग से गतिशील हैं, तो जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 17 का। चलो अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉडी एट रेस्ट में है, मतलब एक बॉडी रेस्ट कंडीशन में, उसके पास इनमें से कौन कौन सी चीजें हो सकती है आप बताना है। पहला कह रहा है एनर्जी, तो बच्चों बिल्कुल एनर्जी हो सकती है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है ना, पोटेंशियल हो सकती है तो एनर्जी तो हो सकती है। दूसरा कह रहा मोमेंटम, नहीं मोमेंटम तो होता मास इनटू वेलोसिटी, है रेस्ट में तो वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है, स्पीड जीरो है, मोमेंटम जीरो है, लेकिन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, कौन सी वाली, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आंसर कौन सा जाएगा इसका, फर्स्ट। चलो 18 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, इसको खींचते हैं 2m, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनती है, 4 जूल। ठीक है, और उसके रहा है इसको आप 10m खींचें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सुना होगा आपने W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब डब्ल्यू समानुपाती क्या होता है बच्चों, यहाँ पे W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर से अपन देख सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर। ठीक है, W या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो उसको, यू लो एक ही बात है यहाँ पे U, तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम U डैश अपॉन U करेंगे तो बाद में, तो पहले तो कितना है इसके अंदर 2 mm स्ट्रेच कर रहे हैं, बाद में कितना कर रहे हैं इसको 10 mm, 10 इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 10/2 कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, तो पहले एनर्जी कितनी थी इसके अंदर यहाँ पे 4 जूल। ठीक है, अब कितनी जाएगी, तो यहाँ पे U डैश इक्वल टू 25 × 4 कर देंगे, मतलब U के लिए 4 दे रखी है, तो कितना हो गया 100 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल आ जाएगा इसका आंसर फोर्थ। ठीक है, आगे समय में चलो बढ़े आगे, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको एफ एक्स ग्राफ दे रखा है, आपसे कह रहा है नेट वर्क डन निकालना है, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ दिया है, कुल किया गया कार्य आपको बताना है क्या है। तो चलो एफ एक्स ग्राफ होता है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया से, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है ना, मतलब W बराबर क्या होता है यहाँ पे
एरिया, तो एरिया से निकालेंगे इसका, तो एरिया निकालेंगे, देखिए इस पूरे का एरिया निकालना है आपको, तो एरिया निकालने के लिए आप समझ सकते हैं बेटा, देखो ये सारे एरिया, ये एरिया तो क्या है पॉजिटिव, ठीक है, और ये एरिया क्या है नेगेटिव, तो ये तो कट जाएगा आपस में, ये प्लस एरिया और माइनस एरिया तो कट गया, ठीक है, क्या बचे, एक तो ये बचा ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, बस इसको लिखते हैं कि प्लस एरिया तो माइनस एरिया से कट गया, ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, अपन लिख रहे हैं एरिया, तो एरिया तो लिख रहे हैं सभी, लेकिन कट जाएंगे तो वह लिखने को टाइम खराब करें, इसका एरिया क्या जाएगा, देखो आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, तो उसका बेस कितना है 1, ठीक है, एंड हाइट कितनी है इसकी 10, ठीक है, फिर प्लस इसमें देखें इसका बेस कितना है 4 से 5 के बीच में 1, और इसकी हाइट कितनी है 10, तो 1 इंटू 10, तो कितना हो गया यहाँ पे 10 प्लस 10 20, 20 आ जाएगा, और सारे मान सीजीएस में रखें तो इसे 20 अर्ग, तो 20 अर्ग मतलब फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्लियर। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 21, तो 21 अपन देखें इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, ग्राफ बिटवीन रूट ई एंड 1 अपॉन पी विल बी, ठीक है, ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ई यहाँ पे मोमेंटम, पी मोमेंटम है, इसमें ग्राफ बताना है, तो चलो देखो यहाँ पे आपको पता है ई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या होता है रूट टू एम ई, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ठीक है, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, तो यहां से पी इज इक्वल टू क्या बन रहा है रूट टू एम ई, ये होता है रिलेशन, तो यहां से देखिए ये रूट ई, रूट ई जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है पी, रूट ई प्रोपोर्शनल टू पी है, तो यहाँ पे हमें वन अपॉन पी फॉर्म में लिखना है, तो हम देखें ऐसे कर सकते हैं रूट ई प्रोपोर्शनल टू, इसको नीचे ले गए ऐसे लिखते हैं वन अपॉन पी, ठीक है, रूट ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी, ये हमने लिया है वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे क्या लिया अपने वन अपॉन पी, तो बेटा वाई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स, तो वाई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स कौन सा ग्राफ हुआ, अति प्रोबोलिक ग्राफ, हाई प्रोबोलिक ग्राफ, तो कौन सा आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है, तो यहां से हम थर्ड को टिक कर सकते हैं। चलो अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 22 पर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे, ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस, ये तो एक डायरेक्ट रिजल्ट है, डाटा पे पता होना चाहिए, ये जो ग्राफ होता है इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, कुछ इस तरह से इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, मतलब पहले इस तरह से ग्राफ बना होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है, तो इसका ही आ जाएगा सेकंड आंसर, क्लियर। चलो 22 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 23 क्या है, ये रहा क्वेश्चन 23 में आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज विद टाइम एज फॉलोइंग, देखिए ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो टी टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो यू तो यहाँ पे जीरो है ना, इसलिए वी इज इक्वल टू जीरो, यू जीरो प्लस ए टी कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन रख दें वेलोसिटी का मान ए इंटू टी, तो यहाँ से आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ रिलेशन क्या होगा, टी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ ये बन जाएगा, क्लियर। चलो आगे आए क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है आपसे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखिए क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 में आपको लगा है कि करेक्ट एफएक्स ग्राफ बनाना है इस यूएक्स ग्राफ के लिए, तो यूएक्स ग्राफ गिवन है आपको एफएक्स ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ग्राफ आपको पता है कि यहाँ पे देखिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, क्लियर, तो बेटा यहाँ पे मतलब यू हो सकते हैं नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो पहले यहाँ पे ये जो स्लोप है यहाँ पे स्लोप कैसा है पॉजिटिव एंड फिक्स, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू माइनस, और ये पॉजिटिव स्लोप है क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है, बाद में यहाँ पे देखिए स्लोप क्या हो गया कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे बाद में इसकी वैल्यू क्या जाएगी जीरो, तो पहले कॉन्स्टेंट पॉइंट नेगेटिव वैल्यू आ रही है फिर बाद में जीरो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हैं स्लोप क्या है बेटा इसका, स्लोप इसका नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्लोप क्या है जीरो, तो पहले नेगेटिव स्लोप रखा तो यहाँ पे सॉरी पहले तो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप रखा वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो कौन सा ग्राफ है पहले नेगेटिव में आ रही है वैल्यू बाद में जीरो हो गई है ये रहा थर्ड, देखिए पहले ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसके बाद फिर आगे वैल्यू जीरो हो गई बिंदु ए के बाद पॉइंट ए के बाद, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ गया इसका ये आ जाएगा थर्ड, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 24 अपन ने सॉल्व कर लिए हैं,
ठीक है, 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 आप कह रहा है कि यहाँ पे एक पिंड का संवेग 0.01% बढ़ा दिया जाए, मतलब मोमेंटम को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज होगा ये बताना है। अब देखिए परसेंटेज चेंज वो थोड़ा सा दिया हुआ है, तो इसलिए हमें पावर को हम फ्रंट पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी तो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट ऑफ पी, ठीक है, सॉरी क्या होता है ये अपन समझे, देखो ई पी इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू अपन जानते हैं ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये आप जानते हैं ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, पी स्क्वायर, ठीक है। अब 0.1% है, तो यहाँ पे परसेंटेज ई अगर अपन निकालेंगे तो आप पावर को फ्रंट में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंटू पी, घात को आगे गुणा कर देते हैं, अगर बहुत अल्प प्रतिशत परिवर्तन हो रहा होता है वेरी स्मॉल तो उस केस में। अब देखिए परसेंटेज पी कितना दे रखा है, 0.01, तो 0.01% रख देंगे तो क्या जाएगा आंसर, 0.02%, मतलब इसका आंसर आ जाएगा सेकंड 25 का, ओके। चलो अब आए 26 पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग में आपको मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है। तो देखो यहां से वी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इसे टकराएगा, इसे कंप्रेस करेगा, तो उसकी कंप्लीट जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहां से हम देखें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर ये कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में, ठीक है। तो यहां से हाफ कट जाएगा, क्या निकालना है अपन को यहाँ पे, कंप्रेशन मतलब एक्स निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट कर देंगे तो वी रूट ऑफ एम अपॉन के, ठीक है, वी रूट एम अपॉन के ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इसको ये एम अपॉन के, ये एम अपॉन के है, एम अपॉन के, ठीक है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, एक्स इज इक्वल टू वी रूट एम अपॉन के, क्लियर, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे देखें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में आपसे कह रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं अपन, किस पे, एक स्थिर बल, ठीक है, 10 न्यूटन का बल स्थिर 2 किलोग्राम कण पे आरोपित किया जा रहा है, 2 किलोग्राम कण स्थिर अवस्था में, इस पे तबल लगा रहे हैं, तो 10 मीटर पश्चात इसका संवेग क्या होगा, मोमेंटम निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, पिंड का द्रव्यमान भी कॉन्स्टेंट है, तो इसका त्वरण एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट आएगा, और उस ए का मान कैसे निकाल लेंगे, ए बराबर फोर्स अपॉन मास से, ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, मास कितना है 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे ए कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब को हमें निकालना है 40 मीटर पश्चात इसका संवेग निकालना है, तो पहले वेग निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं गति की, तीसरी समीकरण, क्योंकि ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, और तो जब भी ए कॉन्स्टेंट होता है तो आप यहाँ पे गति की समीकरण लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम लगा रहे हैं थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2a, a कितना है यहाँ पे 5, s कितना दे रखा है विस्थापन यहाँ पे 40 मीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये इक्वल टू 400, ठीक है, तो v का मान क्या जाएगा, इसका रूट करेंगे तो v इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ये तो अपने क्या निकाल लिया, इसकी वेलोसिटी का मान। अब हमसे क्या पूछा इसके अंदर, संवेग, ठीक है, तो p, p बराबर क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास यहाँ पे कितना दे रखा है, मास आपको गिवन है इसमें 2 किलोग्राम, तो मास को 2 रख दो, ठीक है, वेलोसिटी कितनी रख देंगे 20, तो कितना जाएगा आंसर ये 40, ठीक है, तो इसका आंसर 40 जाएगा, मतलब इसका आंसर जाएगा थर्ड 40 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब आगे थे इसमें 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, तो देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 28 आ गया, 28 देखो ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी यू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू का मान दे रखा है ए अपॉन एक्स पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स पावर 6, ठीक है। आपसे कह रहा है कि हमें इस चीज का मान निकालना है, डी का मान, मतलब यू एट एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस यू एट इक्विलिब्रियम, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, तो पहले हम देखें इसमें एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, चलो यहाँ रख के देख लेंगे, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो यू का मान क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट मेन चीज हमें देख रही है साम्य अवस्था पे, इक्विलिब्रियम स्थिति पर हमें एक्स का मान बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों पहले इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं, साम्य अवस्था को, और साम्य अवस्था में एफ का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो पहले एफ निकालें यहाँ पे, देखिए एफ, ठीक है, तो यहाँ पे f निकालें, तो f कैसे निकालेंगे, माइनस डी अपॉन डी एक्स करके, ठीक है, f बराबर माइनस डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे हमें f बराबर करना है जीरो करना है, तो डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा बच्चों, जीरो, डी अपॉन डी एक्स का मान जीरो आएगा, मतलब इस चीज का हमें डिफरेंशियल जीरो करना है।
तो पहले इसका करें डिफरेंशन, a a तो कांस्टेंट है, ठीक है, x पावर ऊपर ले, x पावर माइनस 12, x पावर माइनस 12 का अवकलन, तो माइनस 12 आगे आ गया, x पावर क्या हो गई माइनस 13, ठीक है, x पावर माइनस 13 ये हो गया। फिर आगे माइनस b कांस्टेंट है, x को ऊपर ले आऊं, x पावर माइनस 6, इसका डिफरेंशन करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, x पावर माइनस 7 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू करना है 0, ठीक है। फिर यहां बेटा कितना हो गया देखो, ये माइनस a माइनस 12 a अपॉन माइनस 12 a अपॉन x पावर 13, ठीक है, x पावर 13 और ये जाएगा प्लस 6 अपॉन b प्लस 6b अपॉन x पावर 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। तो यहां से इसको उठा के उधर ले आओ, तो उठा के उधर ले आएंगे तो आ गया 12a अपॉन x पावर 13 इज इक्वल टू 6b अपॉन x पावर 7। तो यहां से हम देखें यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे लाके इसको उधर ले आएंगे तो x पावर 6 का मान क्या जाएगा, x पावर 6 क्योंकि ये इससे x पावर 6 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आया 2a अपॉन b, ठीक है 2a अपॉन b आ गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू ये आ जाएगी इसकी पावर 1/6 हो जाएगी, ये 2a अपॉन b की पावर 1/6 ये अपन निकाल लिया। अब देखिए हमसे किस चीज का मान पूछ रहा है, हमसे पूछा है इसका मान, तो देखिए यहां पे अब अपन d का मान निकालें तो d बराबर कितना आएगा, u at x equal to 0 minus u at x equal to कितना है, ये मान निकल गया ना 2a upon b at x equal to 2a upon b, इस पे ये रखना है अपन को क्योंकि साम्यवस्था की स्थिति आ गई है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये रखेंगे। अब यहां पे x equal to 0 पे तो इस चीज का मान क्या हो जाएगा 0, क्यों क्या 0 क्यों यहां रखेंगे इनफाइनाइट, ये 0 नहीं सॉरी इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे कितना गया मान, ये 0 को यहां रखने पे ये तो 0 बन गया, ठीक है। फिर अब ये माइनस में ये रखना है, ठीक है, तो ये u at x equal to 2a upon b, तो यहां पे x का मान 2a upon b रखना है तो a upon, तो a upon x का मान 2a upon b रखें तो 2a upon b, ठीक है, होल पावर 12, ठीक है, माइनस b upon, अच्छा यहां पे पावर कितनी है 1/6 है ना, 2a upon b पावर 1/6 है, यहां पे ये पावर 1/6 ये रख के सॉल्व करना है इसको अपन को, ठीक है। तो यहां ये रख के सॉल्व करेंगे पावर 1/6 कर देंगे तो कितना हो गया ये स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर की फॉर्म में आकर देखिए स्क्वायर की फॉर्म में ये स्क्वायर, फिर यहां पे माइनस बी अपॉन एक्स पावर 6 माइनस बी अपॉन एक्स, एक्स कितना है 2a अपॉन b, 2a 2a अपॉन b पावर 6 है तो पावर 6 कर देंगे, ये तो खैर 1 हो गया क्योंकि 1/6 पावर है ना, 1/6 पावर और 6 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या आया बेटा रिजल्ट, ये b चला गया ऊपर, जो b स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा माइनस में आ रहा है, ये b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a और यहां पे माइनस इनटू माइनस प्लस बन गया तो प्लस कितना जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2a, b स्क्वायर अपॉन 2a, तो माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आ गया ये b स्क्वायर अपॉन 4a के इक्वल, ठीक है। तो b स्क्वायर अपॉन 2a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a क्या, तो b स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है इसका फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ आंसर इसका जाएगा, आई वास में तो अपन ने फोर्थ आंसर देख लिया इसका, काफी अच्छा क्वेश्चन देगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में यदि ए और बी धनात्मक नियतांक को मतलब पॉजिटिव कॉन्स्टेंट हो तो साम्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम आपको बताना है, ठीक है। तो देखो अभी अपन ने यहाँ पे इक्विलिब्रियम में फाइंड किया था, देखो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, अभी अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किया है देखिए इधर यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अपन देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे यू बराबर ये भी आपने सॉल्व किया यहाँ पे यू किस पर एट एक्स बराबर 2a upon b पावर 1/6 ये इसकी साम्यवस्था की स्थिति बेटा, तो यहाँ देख रहे हैं एट x इक्वल टू ये 2a upon b, 2a upon b पावर 1/6 थे, इस पर अगर अपन ने u का मान निकाला था तो u ये तो साम्यवस्था की स्थिति यही सही पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे देखें u का मान कितना था रखा था अपन ने u at is equal to this ये आया था ये आई थी वैल्यू नेगेटिव में माइनस में आई थी b स्क्वायर अपॉन 2a बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरी चीज अपन ने यहाँ पे रख के देखी इस पूरी चीज का मान क्या आया था ये आया था माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a ये आया था, ये प्लस इसलिए बन गया था क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है, इस माइनस की वजह से प्लस बन गया है, इस ब्रैकेट की वैल्यू तो पहले इस चीज की वैल्यू तो क्या आ रही है माइनस बी स्क्वायर अपॉन
फोर ए जो कि नेगेटिव आ रही है, मतलब स्मॉल आ रही है, ठीक है, मतलब एक तरह से ये यू मिनिमम है, तो नेगेटिव आ रही वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू आ रही है यू की, और यू मिनिमम कहाँ पे होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्थायी साम्यवस्था में, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, तो क्या होगी, स्थायी साम्यवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इसका आंसर आएगा स्थायी साम्यवस्था, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है, और मिनिमम कहाँ पे होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, ठीक है, आई बस में, तो चलो अब इसके अंदर देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 29 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 ये रहा, क्वेश्चन 30 आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन, को काफी अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है, स्प्रिंग गन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 90 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज कंप्रेस्ड 12 सेंटीमीटर बाय बॉल, मतलब एक बॉल से आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, और फिर जैसे अपन ट्रिगर ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि अब बॉल किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगी, तो जब ये स्प्रिंग संपीड़ित अवस्था में कंप्रेस फॉर्म में, तो इसमें कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रूप में, ठीक है, तो यहाँ से अपन कहते हैं कि यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू होगी वही हमें प्राप्त होगी इसके अंदर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी रूप में, तो देखिए यहाँ पे आप समझे क्या कह रहा हूं मैं, देखो हाफ एम वी स्क्वायर ये जो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कहां से मिलेगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से, हाफ के एक्स स्क्वायर से, हाफ के एक्स स्क्वायर से, ठीक है, तो हाफ से हाफ कट गया, हमें निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ के बाई एम, ये आएगी वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, x कितना गिवन है आपको, x गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मींस 12 अपॉन 100, ठीक है, k, k कितना गिवन है 90 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो उसको न्यूटन पर मीटर में चेंज करेंगे तो 90 इंटू 100 कर देंगे, तो ये तो k की वैल्यू होगी 90 इंटू 100, फिर उसके बाद m मास गिवन है 16 किलोग्राम, 16 ग्राम गिवन है, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10^-3 कर दो, ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व करने पे देखो कितना आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 12 अपॉन 100, और यहाँ बच्चों इसमें कितना बन जाएगा, ये जाएगा पहले 9/6 करें, 9 का तो 3 हो गया, 16 का 4 हो गया, इंटू अब ये 10^ ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3, और ये 10^3 मतलब 10^6 हो गया, इसका रूट करेंगे तो 10^3, ठीक है, तो यहाँ पे यह गया रिजल्ट, तो यहाँ से आप देख सकते हो 4 से 12 3 टाइम्स कट गया, 3 से 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, तो कौन सा ऑप्शन है, 90 मतलब सेकंड, ठीक है, 30 का सेकंड ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे द्रव्यमान m और 2m, दो पिंडों का द्रव्यमान रखे m और 2m, समान गति जो ऐसे गतिशील है, रेखीय, ठीक है, यहाँ पे दोनों रेखीय संवेग का अनुपात बताना है क्या होगा आपको, इनके मोमेंटम का क्या दे रखा है, समान गतिज ऊर्जा, तो पहले हमें मोमेंटम का जो फॉर्मूला आता है क्या होता है, देखिए p इज इक्वल टू रूट टू एम ई, यहाँ पे e सेम है, तो e सेम है तो p प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, रूट ऑफ m, तो यहाँ से इनका संवेग का अनुपात निकालें तो p1/p2 इज इक्वल टू रूट ऑफ m1/m2 मतलब m/2m, तो कौन सा आंसर बन जाएगा, 1/√2 मतलब 1:√2 थर्ड आंसर आ जाएगा 31 का, ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर, देखिए 32 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 32, m2m आर मूविंग विद v,2v टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, दो पिंड है, ठीक है, m और 2m का v और 2v से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे वारे हिस्से से एक दूसरी तरफ, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इस 2m की निकालनी है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसके सापेक्ष, m के सापेक्ष, तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालें, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी, तो बेटा v रिलेटिव निकालेंगे, v रिलेटिव कितना जाएगा, v+2v = 3v, क्यों आएगा 3v, क्योंकि दोनों इस तरह मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे तरफ आ रहे हैं इस तरह से, तो जब दोनों एक दूसरी तरफ आएंगे तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जाएगी इसकी, ठीक है, इस तरह से, तो एक m और एक 2m है, ठीक है, m और एक 2m दोनों है इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये m v एंड 2m 2v, ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालनी है, 2m की, तो इसलिए मास लिखेंगे 2m, ठीक है, क्या होता है मास इनटू v रिलेटिव स्क्वायर, तो यहां पे देखिए मास किसकी निकालनी है हमें, इसकी 2m की, तो मास का लिखेंगे 2m का, तो 2m का मास लिख दिया अपन ने 2m, और यहां पे जो सापेक्ष गति जुड़ जाएगी कितनी आएगी 3v, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना जाएगा, ये m से तो m कट गया तो कितना हो गया, ये 9mv स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो 9mv स्क्वायर ये बन जाएगा 9mv स्क्वायर,
तो कौन सा आंसर आ रहा है? फोर्थ। ठीक है, तो 9 mv² रख देंगे तो 9 mv² से ये आ जाएगा रिजल्ट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है 33 में एक झूले में लड़की, ठीक है, झूले में लड़की धरातल से अधिकतम ऊंचाई इतनी है और इसकी न्यूनतम ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक है, मतलब इस तरह से पेंडुलम के रूप में झूला झूल रही हो, जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम के रूप में झूला झूल रही है। ठीक है, और हमें इसकी अधिकतम चाल निकालनी है। तो बच्चों ऊपर से नीचे आएगी और जब न्यूनतम बिंदु से गुजरेगी, नीचे से गुजरेगी, तो उस समय इसकी चाल अधिकतम होगी। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो नीचे आने पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगी, देखिए इधर क्या है यहां पे, इसके अंदर तो यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी, तो नीचे आएगी, तो नीचे आने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो 1/2 mv² वृद्धि हो रही है वेलोसिटी में, तो बराबर क्या होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में हानि होगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी में तो उसकी इंक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो एम से एम कट जाएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या बन गया, √2gh, इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2g का मान 10 एंड हाइट, h का यहाँ पे हाइट लॉस, जो उसकी हाइट में कमी हो रही है, तो 2.5 और 1.5 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 2.5 माइनस 1.5 करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये √20, क्योंकि ये तो 1 हो गया, √20, √20 का मान, इसको 20 को 5 × 4 लिख लो, तो 2√5 कौन सा आंसर है, फर्स्ट। ठीक है, 33 का फर्स्ट या जाएगा रिजल्ट। ओके, चलो अब आए आगे क्वेश्चन 34 पर। तो देखिए 34 क्या कह रहा है, देखते हैं। 34 ये रहा, यदि एक हल्के पिंड तथा एक भारी पिंड की गतिजुड़ा समान है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपको सेम दे रखी है, तो आपको संवेग के बारे में बताना है, क्या इन्फॉर्मेशन होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में अपन देखें, देखो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में जो रिलेशन होता है आपको, यहाँ पे E = p² / 2m, ये अपन जानते हैं, E = p² / 2m, तो यहाँ पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, या यूँ समझ लो चलो कि p = √2me, ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं p proportional to क्या होगा, √m, p proportional to √m, क्योंकि e तो यहाँ पे सेम दे रखी है, तो जिसका मास यहाँ पे ज़्यादा है उसकी मोमेंटम की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो हल्का पिंड m1 है, तो m1 आपको क्या गिवन है, m1 लेस देन आपको m2 गिवन है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे p1 लेस देन क्या आएगा, p2, m1 लेस देन m2 है, इसलिए p1 लेस देन p2 आएगा। अब मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, m1v1 इज लेस देन क्या जाएगा, m2v2, मतलब हल्के पिंड का मोमेंटम भी हल्का ही होगा, कम होगा, तो m1v1 इज लेस देन m2v2, तो कौन सा आंसर आ गया, 34 का फर्स्ट। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है आपसे, 35, इफ यू आर रनिंग एंड कवर 50 मीटर इन 5 सेकंड, देन योर काइनेटिक एनर्जी विल बी इन ऑर्डर ऑफ, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी किस क्रम में होगी बतानी है आपको। ठीक है, तो पहली बात तो आपका मास लगभग कितना है, आपका मास कितना होगा, लगभग 50 किलोग्राम के आसपास। ठीक है, जब 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, लगभग 50 किलोग्राम के आसपास अपन मास अपन सोच सकते हैं, क्योंकि हमसे केवल क्रम पूछा है क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहां से अपन देखें इसके अंदर, यहाँ पे मास इज इक्वल टू कितना लिया अपन ने, 50 किलोग्राम। ठीक है, लेट माना आपका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, 1/2 mv². अब लेकिन v तो गिवन नहीं है, लेकिन v के लिए आपको बताया गया है कि आप 50 मीटर 5 सेकंड में कवर कर रहे हो, तो यहां से v कितना है, v इज इक्वल टू कैसे निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 50 एंड टाइम कितना है 5, तो कितना हो गया 10, स्पीड कितनी आ गई 10 आ गई, तो यहाँ पे इसको अपन 10 रख देंगे, तो 1/2 × मास को ले लिया 50, स्पीड को 10, तो 10 स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो गया, तो 25 और ये 100, मतलब 2.5, ये कितना जूल में है, 2.5 किलो जूल। ठीक है, तो क्या रहा है ऑर्डर, किलो जूल, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है किस जूल में, किलो जूल के रूप में आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद 36। ठीक है, 36 क्या कह रहा है, आते हैं आगे क्वेश्चन 36 पे। देखिए क्वेश्चन 36 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे कह रहा 36 में कि यदि यदि एक व्यक्ति अपनी चाल 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा ले, तो उसकी गति जो 4 टाइम से आती है, प्रारंभिक चाल क्या थी।
ठीक है। तो क्या कह रहा है बच्चों आप देखो, यहाँ पे इसकी जो नई गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी डैश कितनी हो गई है, फोर टाइम्स हो गई है, फोर टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर। इसने अपनी चाल में कितनी वृद्धि कर ली, 1 मीटर, मतलब न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम यू प्लस 1 स्क्वायर, ये न्यू काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो यहां से देखो ये m बाई टू से, तो ये m बाई टू कट गया, दोनों तरफ रूट कर दें तो u प्लस 1 तो ये हो गया रूट, और यहाँ पे 4 का रूट 2 हो जाएगा, और ये u, तो इसको उधर जाके माइनस कर दो, तो u बराबर कितना आ गया 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, देखिए पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट, ठीक है, वाटर पंप की पावर दे रखी है, ग्रेविटी इतनी है, तो आपसे कह रहा है कितना पानी ये 1 मिनट में इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा। अपन जानते हैं ऊंचाई की बात कर रहा है, द्रव्यमान दे रखा है मतलब मास दे रखा है, हाइट की बात कर रहा है, तो पावर कैसे निकालेंगे, mgh/t से, ठीक है, mgh/t से निकालेंगे पावर का मान। तो यहां से p = mgh/t इसकी हेल्प ले रहे हैं पावर के लिए, mgh/t, ठीक है। तो यहां से पावर कितनी की बने आपको, 2 किलोवाट, मतलब 2000 पावर है। मास कितना की बने आपको, यहाँ पे मास तो हमें निकालना है, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू 10, ठीक है, हाइट की वैल्यू रख दें, हाइट कितना यहाँ पे 10 मीटर टाइम 60 सेकेंड हो जाएगा, 1 मिनट से मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें ये 20 से ये 20 तो कैंसिल कर दो, तो m कितना हो गया, m इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 किलोग्राम, या क्या, और जो पानी के लिए अपन जानते हैं जो किलोग्राम होता है वही लीटर होता है, वाटर के लिए किलोग्राम एंड लीटर सेम अमाउंट में होते हैं, वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड होते हैं, तो उसको बोलेंगे 1200 लीटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1200 लीटर, तो कौन सा आंसर आ गया, 4th, ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, आइए क्वेश्चन 38 देखें, 38 क्या कहता है आपसे, देखिए 38 आपसे कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचाई से 15 किलोग्राम पर सेकंड की दर से, ठीक है, टरबाइन पर वाटर गिर रहा है, ठीक है, तो घर्षण में 20% ऊर्जा की हानि हो जाती है, तो टरबाइन द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या होगी, ठीक है, तो उत्पन्न विद्युत शक्ति बतानी है क्या होगी। तो पहले अपन देखें इसकी मैकेनिकल पावर कितनी है, ठीक है, इसकी यांत्रिक शक्ति कितनी है, अपन देखें इसके अंदर मैकेनिकल पावर, ठीक है, मैकेनिकल पावर, तो यहाँ पे हमें ऊंचाई की इंफॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 20 फुट ऊंचाई से 15 किलोमीटर दर से गिर रहा है पानी, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, तो यहाँ पे पावर कैसे निकाल लेंगे, mgh/t से, ठीक है। अब यहाँ पे इस किलोग्राम पर सेकेंड मतलब मास अपॉन टी, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, m अपॉन टी कितना देखा है, m अपॉन टी ये क्यों है 15, ठीक है, ग्रेविटी 10, ऊंचाई कितनी रखी 20, तो कितना हो गया, ठीक है, 15 × 30, और ये 2 जीरो लगा दी, 3000 वाट, ठीक है, मतलब क्या बन गए, 3 किलोवाट। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जब फ्रिक्शन में कितनी एनर्जी लॉस हो गई, 20%, तो बाकी जो 80% बची वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, जो यहाँ पे उत्पन्न हो रही है शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस पावर, ठीक है, या कह दें जनरेटेड पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है वो कितनी, 80% ऑफ 3 किलोवाट, ठीक है, 80% ऑफ 3 किलोवाट, मतलब इसको 80% मतलब 0.8 गुणा कर दो इसको, 0.8 × 3, तो कितना आ जाएगा 2.4 किलोवाट, या जैसा से मतलब सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं इस पे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपसे, आए क्वेश्चन 40 पे, ठीक है, पहले सॉरी 39 पे, अभी 38 अपन ने सॉल्व किया है, ठीक है, 38 क्वेश्चन 38 अपन ने सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन 38 सॉल्व हो गया, 38 के बाद अपन 39 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, देखिए अ कार ऑफ मास एम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट विद कांस्टेंट पावर पी नॉट, वेलोसिटी ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू दी, यहाँ पे आपको कांस्टेंट पावर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हम जानते हैं जो पावर का फोर्स एंड वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। देखिए इधर किस तरह से सॉल्व करना है इसको, पावर P is equal to, हम जानते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स को अपन रख देंगे मास इंटू एक्सलेशन इंटू वी, फिर बच्चों यहाँ पे ए जो है ए क्या है, एक्सलेशन, एक्सलेशन लिखेंगे डीवी अपॉन डीटी, त्वरण का मान क्या लिखेंगे डीवी अपॉन डीटी, ठीक है, और ये पावर आपको पी नॉट दे रखी है, तो पी नॉट इज इक्वल टू एम ए को रख दिया अपन ने डीवी अपॉन डीटी,
डी वी अपॉन डी टी इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से डी टी उधर ले आओ, तो पी नॉट डी टी इज इक्वल टू क्या आया, एम वी डी वी। तो यहाँ से दोनों तरफ कर दें बेटा, इनका समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, ये पी नॉट टी तो ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे एम कॉन्स्टेंट है, पावर मतलब मास कॉन्स्टेंट है, वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू हो गया, ठीक है। तो वी का यहाँ पे टी के साथ रिलेशन क्या आया, देखिए टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, वी स्क्वायर, क्या कहते हैं, वी प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, रूट ऑफ टी, ठीक है, मतलब हाफ पावर। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर हाफ, कौन सा आंसर आ जाएगा, ये सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी पावर हाफ सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे समय चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा क्वेश्चन 40, देखिए पढ़े क्वेश्चन 40 को। बॉडी ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विद फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी यू एंड एंगल थीटा, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशन फोर्स एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी पावर डिलीवर होगी आपको निकालनी है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे आप देखें फोर्स एंड वेलोसिटी के बारे में, देखिए इस तरह से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होती है इस तरफ होती है वी, ठीक है, एंड इस पर ग्रेविटेशन फोर्स का लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, दोनों आपस में क्या बताओ 90 डिग्री पे, एंगल कितना है 90, ठीक है। तो एफ वैक्टर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, वी वैक्टर, तो इसलिए पावर की वैल्यू क्या जाएगी, पावर इज इक्वल टू जीरो, तो कोई पावर डिलीवर नहीं होगी, पावर कितना बनेगा जीरो, ठीक है। तो क्या जाएगा इसका आंसर फोर्थ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है आपसे, 1 kg एंड 5 kg आर ड्रॉप फ्रॉम टावर ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम दो पिंडों को अपन गिरा रहे हैं, एक तो 5 kg का और एक 1 kg का है, ठीक है, सेम हाइट से अपन गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि ग्राउंड से 20 cm हाइट पर इनका क्या चीज सेम होगी आपको बतानी है। तो जो ऊपर से बॉडी नीचे आएगी तो सेम हाइट को ट्रेवल करती हुई नीचे आ रही है, तो नीचे पहुंचने में दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी, क्योंकि दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम है और दोनों नीचे फाइनल पोजीशन सेम है। तो इसलिए v इज इक्वल टू रूट टू जी एच की अपर हेल्प से देखें तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि दोनों की क्या चीज सेम होगी, फाइनल वेलोसिटी, हाँ मोमेंटम अलग होगी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एनर्जी के अंदर भी मास का यूज होता है, टोटल एनर्जी के अंदर भी मास का यूज होता है, तो इसलिए ये तीनों अलग अलग होंगे, क्या चीज सेम आएगी यहाँ पे, वेलोसिटी, ठीक है, ये चीज अपन देखी। चलो अब अपन देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 42 की। देखिए क्वेश्चन 42 में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान m को एक डोरी से g/2 एक्सप्रेशन से हम नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है, किधर लेके जा रहे हैं बेटा, नीचे लेके जा रहे हैं। तो नीचे ले जाने पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें टेंशन फोर्स की वैल्यू, टेंशन फोर्स की वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, ठीक है, t यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखिए t इंटू जी माइनस ए, t इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, ये होगा स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना है, देखिए एम इंटू जी माइनस ए, ए कितना की बने जी बाई फोर, रख दो जी बाई फोर, तो यहाँ से क्या की वैल्यू 3/4 टाइम्स ऑफ एम जी, ये समय इसमें टेंशन फोर्स आ गया, ठीक है, मतलब इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, ये अपने निकाल लिया। अब इसको हम किधर लेके जा रहे हैं, नीचे की तरफ, ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट डी नीचे की तरफ है, ठीक है, और इसमें एंगल आप देख रहे हैं कितना बन रहा है बेटा, एंगल 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री है। तो हमें आपसे निकालें वर्क डन, हमसे पूछा वर्क डन का मान क्या होगा, ठीक है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है, एफ आर कॉस थीटा होता है ना, तो यहां से रख दो टी की वैल्यू, तो टी रख दोगे 3/4 टाइम्स ऑफ एम जी, ठीक है, और इनटू डी इनटू कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप देखिए यह आ जाएगा आंसर थर्ड, -3 mg d/4, ठीक है। चलो अब आगे थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 43, द्रव्यमान 2 किलोग्राम संवेग 2 न्यूटन इनटू सेकंड वाले पिंड की गति जो निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मोमेंटम आपको दे रखा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, देखिए काइनेटिक एनर्जी की अपन जानते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है के ई इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो यहां से इसके वैल्यू रख दो, मोमेंटम कितना है संवेग 2, तो 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 मास कितना गया माने 2 किलोग्राम, तो यहां से 4/4 कितना हो गया 1, तो आंसर क्या जाएगा 1 जूल, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है ये,
कि यहाँ पे एक दौड़ते व्यक्ति की गतिज्या अपने आधे द्रव्यमान वाले बालक की गतिज्या से आधी है, मतलब यहाँ पे एक पर्सन रन कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ठीक है बॉय की आधी आपको दे रखी है, मतलब वो क्या बोल रहा है के ई मैन, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो ऑफ मैन है, मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है क्या है, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, ऐसा हमसे बोला गया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी बॉय, तो मैन के लिए काइनेटिक एनर्जी देखिए अपन हाफ कैपिटल एम मान लो उसका मास है इंटू वेलोसिटी एम स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय के लिए क्या होगी हाफ इंटू मास, मास ऑफ बॉय कितना है हाफ ऑफ मैन, ठीक है, बॉय का जो मास है मतलब बॉय का जो मास है कितना है बच्चों उस मैन का आधा, बोला गया यहाँ पे काइनेटिक बॉय हाफ ऑफ हिज मास, मतलब जो बॉय है उसका मास यहाँ पे आधा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हाफ एम बाई टू इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, अब देखिए एम बाई टू से तो एम बाई टू कट गया, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर दें तो वी एम इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दें तो वन बाई टू वी बी, ठीक है, वन बाई टू वी बी, यही बोल सकते हैं वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी एम, ठीक है, चलो ये कहानी तो खत्म इसकी, आगे बढ़े, आगे आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे इसके अंदर कि अब यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों बॉय अगर ये मैन है, मैन अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर लेता है तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉय के बराबर हो जाती है, आपसे अब अगली कंडीशन जो बोला गया है कि यहाँ पे के ई डैश जो मैन है ये क्या हो गई है के ई बॉय के इक्वल बराबर हो गई है, कब, जब इसे अपनी स्पीड को 1 से इंक्रीज कर लिया है, तो हम यहाँ पे देखें अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन जो पहले थी प्लस 1 होल स्क्वायर वी एम प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, तो खैर वही है क्योंकि बॉय ने तो कुछ किया नहीं, वो तो वही है हाफ इंटू मास जो कि एम बाई टू है इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एम बाई टू से एम बाई टू काट दो, कट गया, अब यहाँ से बच्चों दोनों तरफ रूट करें, रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एम प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ कितना है वी बी बाई रूट टू, वी बी बाई रूट टू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो वी बी कितना दे रखा है वी बी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या है टू वी एम है ये वी एम है वी एम क्या है वी एम, तो वी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी एम, यहाँ रख दें वी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी एम, ट्वाइस ऑफ वी एम पुट करेंगे ठीक है अपॉन रूट टू, तो क्या जाएगा यहाँ पे वी ये जाएगा बेटा रूट टू टाइम्स ऑफ वी एम, रूट टू टाइम्स ऑफ वी एम ये आ गया, ठीक है इस वी एम को उठा के उधर ले जाओ तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू वी एम उधर ले जाके कॉमन ले लेंगे तो रूट टू माइनस 1, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वी एम की वैल्यू कितनी निकल गई वी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू माइनस 1, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यह जाएगा थर्ड, ठीक है, तो इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं, काफी अच्छा काफी प्यारा क्वेश्चन था ये, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा क्वेश्चन 45 आपसे कह रहे 4 पार्टिकल हैं, ठीक है इनके मोमेंटम सेम है किसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो बेटा मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ से मोमेंटम आपको सेम गिवन है, ये मोमेंटम सेम बोला गया है, अब मोमेंटम सेम है तो आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 अपॉन m, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी, मास सबसे कम किसका है इलेक्ट्रॉन का, इससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी, तो आंसर क्या जाएगा सेकंड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, आगे आओ देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एरा एक मोटर बोट है इसकी चाल दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है अब यहाँ पे जल के बहाव के कारण इस पे लगने वाला फोर्स कितना है 500 न्यूटन, तो बोट की शक्ति होगी, शक्ति पूछा है पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, बस फोर्स इंटू वेलोसिटी कर देंगे तो 500 × 3 कर दो तो कितना हो गया 5 × 3 = 15, मतलब 1500 वाट, तो 1500 वाट का मतलब क्या हो जाएगा 1.5 किलोवाट, तो क्या जाएगा इसका आंसर 1.5 किलोवाट, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 47 में से कह रहा है कि एक पिंड है इस पे इतना फोर्स लगाने अपन कितने टाइम के लिए 4 सेकंड के लिए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाता है, शक्ति बतानी है, अब देखिए पावर हमें फाइंड करनी है तो पावर कैसे निकालेंगे P इज इक्वल टू होता है W/T, ठीक है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं F·S से, मतलब फोर्स एंड एस का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इन दोनों का डॉट करिए, डॉट कैसे करते हैं बेटा देखो इस आई को आई से करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा, फिर
थ्री को फोर से करेंगे प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 5 या 20 हो जाएगा डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना रखा है आपको 4 सेकेंड, तो 4 से डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ गया देखिए, ऊपर तो आ गया ये 18 एंड 20 38, 38 बाई 4 तो ये आ जाएगा 9.5 वाट, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया इसके अंदर, फर्स्ट, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। चलो 48 पे बढ़े आगे, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 48, देखिए पढ़ो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा कि एक समरूप चेन है, यूनिफॉर्म चेन है, ठीक है, जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है, ये टेबल से इसका छठा भाग टेबल से किनारे से लटक रहा है, मतलब 1/6 पार्ट इसका टेबल से लटक रहा है, इस पूरे भाग को लटके हुए भाग को पूरा ऊपर खींच रहा है, कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब आपको कंडीशन कुछ ऐसे दे रखी है, इस तरह से बेटा ये चेन है, ठीक है, यहाँ पे चेन यहाँ पे इस पर लटकी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपसे यूँ कह रहा बच्चों चेन इस तरह से, यहाँ पे चेन लटकी हुई है इस तरह से, इस चेन का कितना पार्ट लटका हुआ नीचे, एल बाई एन पोर्शन इसका लटका हुआ, ये एल बाई एन, ठीक है, एल बाई एन पोर्शन लटका हुआ, इसको पूरे को हमें ऊपर खींचना है, तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो बेटा देखो, जब ऐसे एल बाई एन चेन वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे एल बाई एन पार्ट अगर सस्पेंडेड है तो इसको ऊपर पुल करने के लिए जो वर्क डन की वैल्यू होती है, वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी एल, एम जी एल अपॉन 2n2, ठीक है, क्या होता है, एम जी एल अपॉन 2n2 के इक्वल यहाँ पे इसकी वर्क डन की वैल्यू होती है एम जी एल अपॉन 2n2। अब यहाँ पे आपको कितना गिवन है, एल बाई 6 गिवन है, ठीक है, तो एल बाई 6 आपको गिवन है, तो यहाँ पे एन कितना है बेटा, ये 6, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 गिवन है, तो यहाँ पे इस एन को 6 रख दो, तो एम जी एल अपॉन 2, एन को 6 रख देंगे तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 को 2 करेंगे 72 बन जाएगा, ठीक है, तो क्या जाएगा एम जी एल अपॉन 72, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 49 पे। देखिए क्वेश्चन 49 आपसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 49 आपसे कह रहा है, वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, एट व्हाट हाइट डज इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल में आपसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है, देखिए काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बोला गया आपसे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान लो फाइनल में क्योंकि हाफ एम यू स्क्वायर होगी, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, मान लो फाइनली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी है तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, यू मैंने क्या ले लिया बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी, तो एम बाई 2 से एम बाई 2 गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जाने पर जो वेलोसिटी है, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो यू यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है 4, तो देखो मैं वी स्क्वायर को रख रहा हूँ यू स्क्वायर प्लस 2as, तो a यहाँ पे क्या आएगा -10 आएगा, माइनस ग्रेविटी, तो -2g का मान 10, हाइट h कितनी रखी है यहाँ पे, h तो हमें निकालनी है, ठीक है, h हमें निकालनी है, येलो, तो ये यू स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू कितना है, हाफ ऑफ यू स्क्वायर, यू कितना है बेटा यहाँ पे 4, यू को हमने 4 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया ये तो हो गया 16 माइनस 20h इज इक्वल टू कितना हो गया ये 16/2 8, तो यहाँ से 20h इज इक्वल टू इसको इधर ले आओ यहाँ पे तो 8 आएगा, तो h इज इक्वल टू कितना हुआ 8/20, एच इज इक्वल टू 8/20, तो 8/20 कर देंगे तो कितना रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे देखिए 4/5, 4/5 4/10, 4/10 तो क्या आंसर आ रहा है बेटा 0.4, तो 0.4 मीटर, तो कौन सा आंसर बना फोर्थ, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलो अब आ गए थे अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50, चलो 50 पे आते हैं, क्या कहता है देखो 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए ये रहा क्वेश्चन 50 आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग प्रत्येक के मात्रक को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कार्य के मात्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालना है। तो चो वर्क डन, देखिए अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से अपन देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ये प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, मास इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मास को कितना कर दिया है 2 टाइम्स, ठीक है, वेलोसिटी को भी कितना कर दिया है 2 टाइम्स,
तो कितना बन गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, तो कितना जाएगा 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना क्या जाएगा आंसर, 8 टाइम्स, मतलब फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका 8 टाइम्स आ जाएगा रिजल्ट। ओके चलो अब आ गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद आ गया ही है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या कह रहा है 51 में, देखिए 51 यहाँ पे एक उड़ता पक्षी रखता है, मतलब एक बर्ड है फ्लाइंग बर्ड, उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, तो चो फ्लाइंग बर्ड है ऊपर हाइट पर है तो उसके पास पोटेंशियल तो यही सही और कंटिन्यू मूव कर रहा है, इसलिए उसके पास मतलब हाइट पर है मतलब पोटेंशियल यही सही और कंटिन्यू मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों ही इसके अंदर अवेलेबल होती है, तो आंसर का आंसर थर्ड, ठीक है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी थर्ड आंसर का अपन टिक करेंगे। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, 52 में आपसे कह रहा है कि वन मैन टेक्स 1 मिनट टू रेज अ बॉक्स टू ए हाइट 1 मीटर, ठीक है एक आदमी है ठीक है तो 1 मिनट में एक बॉक्स को 1 मीटर हाइट तक उठाता है, और दूसरा जो है वो 1/2 मिनट में ऐसा करता है, मतलब सेम हाइट तक उठा रहा है लेकिन टाइम कम लग रहा है उसको, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज, तो बच्चों देखो दोनों बॉक्स सेम हाइट तक उठ रहे हैं तो दोनों के पास दोनों बॉक्स में जो एनर्जी होगी क्या होगी एमजीएच क्या होगी सेम होगी, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है इसलिए दोनों का एमजीएच सेम है, मींस दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। हाँ टाइम अलग अलग लग रहा है उठाने में, तो उससे फर्क केवल क्या फर्क पड़ेगा अप्लाइड पावर पे, ठीक है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है तो फर्स्ट वाले की जितने जिस टाइम जिस केस में मतलब सेकंड वाले केस में देख रहे हैं कम टाइम लग रहा है, मतलब सेकंड वाले केस में ज्यादा पावर अप्लाई हो रही है, ठीक है। हाँ डिलीवर्ड पावर की पूछी जाए तो हम क्या टिक करेंगे कि सेकंड वाले केस में पावर ज्यादा डिलीवर्ड हो रही है, बट यहाँ पे पावर की बात नहीं कर रहा केवल पूछ रहा है एनर्जी की, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी दोनों में सेम आएगी, ठीक है तो आंसर क्या जाएगा इसका थर्ड, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है कि एक कंजर्वेटिव सिस्टम है इसमें पोटेंशियल एनर्जी बता रखी है, आपको यहाँ पे साम्यवस्था की स्थिति बतानी है, क्या बतानी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अपन जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है जीरो, ठीक है और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है एफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर, ठीक है एफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स आपको क्या करना है बेटा जीरो करना है, तो यहाँ पे करें इसका डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर को देखा जाएगा 2x माइनस 3x का 3 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया 3/2 मींस 1.5, तो कौन सा ऑप्शन है 1.5, ये लो फर्स्ट पहला ऑप्शन दिख गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी पहला आंसर में दिख गया, ठीक है 53 का जाएगा फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ देखो क्या कह रहा है यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे क्या कह रहा है, पढ़े क्वेश्चन को सिंपल सा क्वेश्चन है कोई टिपिकल नहीं है, पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स p फॉर टाइम t, मतलब पार्टिकल पहले स्थिर अवस्था में रेस्ट में है उस पर हम फोर्स p लगा रहे हैं, मतलब जो f होता है ना उसको f को p बोला गया यहाँ पे, टिल टाइम t इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन इंटरवल t, तो t टाइम बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पे फोर्स की इन्फॉर्मेशन अपन देखें, देखिए यहाँ पे समझना बात को, पहले अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, देखें यहाँ से v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है तो यहाँ पे u u कितना है जीरो, u जीरो है, ठीक है यहाँ पे a a क्या यहाँ पे एक्सलेशन जिसे हम क्या लिखेंगे फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है p मास m इंटू t, ये लो ये तो आ गई वेलोसिटी, अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, आप जानते हैं बचपन से, ठीक है तो यहाँ पे रख दो v की वैल्यू पी टी अपॉन एम इसका स्क्वायर करना है तो क्या जाएगा पी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम, पी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम कहाँ रहा ये रहा, ठीक है तो आ जाएगा इसका आंसर 54 का, ठीक है। चलो अब आए आगे इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 54 के बाद 55 निम्न में से कौन सा असरक्षी बोले, कौन सा बताना है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनमें से सोचो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं जिनकी प्रेजेंस में आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं, ठीक है इनकी प्रेजेंस में टोटल वर्क डन इन ए लूप, ठीक है एक बंद चक्र में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है, और साथ के साथ इनमें किया गया कार्य ठीक है इनकी प्रेजेंस में किया गया जो वर्क डन होता है वो केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सारी प्रॉपर्टी होती है इनमें कंजर्वेटिव फोर्स में, तो ये तीनों तो कंजर्वेटिव है, जो विस्कस फोर्स है शान बले ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। चलो अब आ गए हैं 55 मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर तो 4 आ जाएगा विस्कस फोर्स। चलो आगे आते हैं 56 पे, 56 में आपसे कह रहा है आपको थीटा दे रखा है इतना है देन इनिशियल एंगुलर स्पीड बतानी क्या होगी इनिशियल एंगुलर स्पीड, तो यहाँ पे पहले एंगुलर स्पीड निकालें कैसे निकालेंगे
ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू था बेटा डी थीटा अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे कर दो, एक का तो जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, ठीक है, फिर इसका हो जाएगा टू सी टी, टू सी टी ये हो जाएगा। अब हमसे पूछा है इनिशियल, इनिशियल t इज इक्वल टू जीरो पे, तो बेटा t इज इक्वल टू जीरो पे अगर अपन देखें ओमेगा हमारा इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये होगी b, क्योंकि ये चीज तो जीरो हो गई, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है b, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे सेकंड, 56 का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ओके चलो अब आगे थे इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कह रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू सेकंड। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या निकालना है ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, समाकलन करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फा दे रखा है और क्या निकालना है ओमेगा, क्योंकि आप जानते हैं देखिए इस तरह से यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ से अगर हम ओमेगा निकालें तो ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी बन जाएगा, और आपको लिमिट क्या दे रखी है 2 सेकंड, तो 0 से 2 सेकंड के फॉर्म में अपन सोच सकते हैं, तो अल्फा यहाँ पे कितना है, अल्फा की वैल्यू 3t - t² है, 3t - t², ठीक है डी टी, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करें तो 3t का इंटीग्रेशन t² / 2 एंड -t³/3, ये इसका समाकलन हो गया, ठीक है, और लिमिट 0 से 2 है, बस अब यहाँ पे रख दो t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 t² - 2² ठीक है -2³/3, तो इसको सॉल्व करना है आपको, कितना हो गया बेटा ये, यहाँ तो ये 6 हो जाएगा, तो माइनस कितना आएगा ये 4/8/3, तो 18/8/3 मतलब 10/3 आ जाएगा इसका आंसर 10/3, तो कौन सा ऑप्शन है 10/3 फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा 57 का, एज अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं 57 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइए 58 पर, ठीक है 58 पर अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58, देखिए ये रहा 58, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे मास दे रखा है 0.1 kg, ठीक है, और ये पिंड का व्यास 1.0 मीटर वाले वृत्ति पथ पर इतने चक्कर प्रति सेकंड की दर से गतिशील है, ठीक है, हमें बताना है अभी केंद्रीय बल का मान क्या होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का मान एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए मास की बने डायमीटर दे रखा है और चक्कर प्रति सेकंड के अनुसार गतिशील है ये बताया गया है, तो देखो अब यहाँ पे मास रख दे, मास कितना है 0.1, ठीक है 0.1, ओमेगा को हमें रखना होता है रेडियन पर सेकंड में, तो देखो आपको दे रखा है 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, मतलब आपको ही समझे चलो ओमेगा इज इक्वल टू सोचिए थीटा अपॉन टी है, कितना दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू था थीटा अपॉन टी, चलो एक बार तो लिखता हूं मैं थीटा अपॉन टी स्क्वायर, और आर क्या होता है डायमीटर बाई टू रखते हैं वैल्यू, ठीक है, तो 0.1, तो यहाँ पे थीटा, थीटा कितने रखें 10 रिवॉल्यूशन 10 रिवॉल्यूशन, तो उसको 10 रिवॉल्यूशन को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 10 × 2π radian, ठीक है, एंड टाइम कितना गिवन है 31.4 सेकंड, तो कोई दिक्कत नहीं टाइम तो अच्छी बात है सेकंड में दे ही रखा है कोई परेशानी नहीं है 31.4, ठीक है, और स्क्वायर इंटू डायमीटर बाई टू, डायमीटर कितना है यहाँ पे 1.0 मतलब 1, तो 1/2 कर देंगे, बस इसी को हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए देखो ये पाई से ये कितना कट जाएगा, तो 31.4 और पाई इंटू 10 के लिए यही होती है ये कट गई, तो यहाँ से कितना आया 4, ठीक है ये 4 आया, 4 से 2 कट जाएगा पर 2 आएगा, तो 2 × 0.1 कितना करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो 0.2 न्यूटन ये रहा सेकेंड आंसर, ठीक है, तो 58 का क्या आ गया बच्चों आंसर सेकेंड, ठीक है चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन अपन देखें, ये कह रहा है आपसे 59 पार्टिकल इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ठीक है इन इनवर्टेड कोन एट हाइट 9.8 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब देखिए समझने की कोशिश करो ये क्या कहना चाहता है आपसे, ये आपसे कह रहा है कि इससे बेटा एक इन्वर्टेड कोन है, ये इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा एक शंकु है, ठीक है इसकी वर्टेक्स है, यहाँ पे एक पार्टिकल अंदर इस जगह अंदर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इस तरह से, ठीक है जो कि इसकी हाइट आपको दे रखी है यहाँ से तक इसकी जो हाइट है ये हाइट इसकी ये 9.8 सेंटीमीटर है h, ये h आपको दे रखी है, सपोज चलो ये एंगल थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे इसकी ये रेडियस r है, r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है अब जो आपसे कह रहा है कि यहाँ पार्टिकल इस जगह चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल इस जगह है ये जगह पार्टिकल, अब यहाँ पे इस पे अगर अपन बात करें फोर्सेस की
देखिए हमें इसकी स्पीड निकालनी है, तो बच्चों इस पे फोर्स देखें कौन कौन से लगेंगे। एक तो लग गया एम जी फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग गया सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से एन, ठीक है, एन इस तरह लग गया। अब बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल बनेगा यहाँ से तक का ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इस ऊपर वाले एंगल को होना पड़ेगा थीटा किसको, इसको, ये एंगल होगा थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो इस एन के अगर अपन कर दें कंपोनेंट, तो इधर एन का जो कॉस कंपोनेंट है इस तरफ, ये एन का आएगा इस तरफ, ये कॉस कंपोनेंट एन कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ आएगा ऊपर एन साइन थीटा कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एन साइन थीटा तो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, और यहाँ पे एन कॉस थीटा क्या दे रहा है, एक तरह से अभी केंद्रीय बल नेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स हमें दे रहा है, तो यहाँ से हम देखिए एन साइन थीटा, ठीक है, एन साइन थीटा हमें किसको बता रहा है, एम जी को, एम जी को, एंड एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा किसको बता रहा है यहाँ पे, अभी केंद्रीय बल को, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब दोनों को अगर डिवाइड करें आप, तो डिवाइड करेंगे तो एन से एन कट जाएगा साइन थीटा, और साथ में एम से एम भी कट जाएगा, एम से एम, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या गया बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, आर जी अपॉन वी स्क्वायर आ गया टेन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से टेन थीटा, आप यहाँ से देखिए टेन थीटा कितना आएगा, इस ट्राइंगल से निकालें, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब आर अपॉन एच, तो टेन थीटा को रख दे आर अपॉन एच, ठीक है, तो आर जी अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर कट जाएगा, आर से आर कट गया, तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एच, v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एच। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, g हमें कितना, g वैल्यू कितनी होती है 9.8, g की वैल्यू 9.8, एंड हाइट हमें दे रखी कितनी रखी, हाइट 9.8 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 9.8 अपॉन 100। अब इसका आप रूट करिए तो ऊपर तो 9.8 आ गया आउटसाइड में, और रूट से बाहर 100 निकालेंगे तो 10, तो कितना हो गया 0.98 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सा आंसर आएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड थर्ड, ठीक है, तो ये थर्ड आंसर अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब आ गए थे क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं अपन, ये 60 देखिए आपसे कह रहा है समान द्रव्यमान की दो गेंदें हैं डोरी के एक सिरे से 1 मीटर तथा 2 मीटर दूरी पर बंधी हुई है, मतलब टोटल डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, जिसमें 1 मीटर पे ये है, 1 मीटर पे आगे ये है, ठीक है। तो टोटल जो स्ट्रिंग की लेंथ है यहाँ से तक की पूरी लेंथ कितनी है 2 मीटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, इसके अंदर ये टेंशन की वैल्यू निकालनी, रेशो निकालने, व्हाट विल बी रेशो ऑफ टेंशन T1 एंड T2। तो पहले बच्चों इसको अपन देखें T2, यहाँ पे इस M वाले पिंड को आप देखोगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे और से, तो इस पे जो T2 फोर्स है वो लग रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाथ की रेडियस है वो कितनी आएगी 2 मीटर, ठीक है, पाथ लेंथ कितनी आएगी 2 मीटर। तो यहाँ से हम देखें एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, तो T2 कितना आएगा बेटा, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा दोनों का सेम होगा, दोनों का क्या सेम होगा, ओमेगा, ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर और आर, आर यहाँ पे कितना है 2 मीटर, आर यहाँ पे 2 मीटर है, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया T2 इज इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आए हम किस पे, इस m वाले पार्टिकल को देखें, तो इस m वाले पार्टिकल को आप देखिए, इस m वाले पार्टिकल को देखें, ये जो पार्टिकल m है, इस पार्टिकल की बात करें m पार्टिकल, तो बेटा ये पार्टिकल है, इसकी जो रेडियस ऑफ पाथ है यहाँ से आता है, ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो इसके लिए अपन देखें यहाँ पे देखिए सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना है, इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T2, तो हम जानते हैं जो नेट फोर्स होता है वो लगता है केंद्र की ओर, ठीक है, जिसका मान क्या होगा T1 माइनस T2, तो यहाँ से T1 माइनस T2 की वैल्यू हम करेंगे m ओमेगा स्क्वायर r के, तो m ओमेगा स्क्वायर r, लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी है 1, ठीक है, तो यहाँ से T2 को 2 रख दो, T1 को रख देंगे 2 m ओमेगा, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर 2 m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ये m ओमेगा स्क्वायर है ही सही, तो उसको उठा के चले जाओ, तो T1 कितना आ गया 3 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसका रेशो निकालना है, क्या T1 अपॉन T2, तो बेटा T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या आ गई, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 3/2, तो कौन सा ऑप्शन है 3/2, ये रहा फोर्थ, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, हम इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है, आई समझ में। चलो अब आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे,
देखिए अगला क्वेश्चन 61, ठीक है 61 पे है, ये रहा 61 क्वेश्चन। तो 61 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए 61 में आपसे यहां से एक बॉल को अपन छोड़ रहे हैं, नीचे आने पर इसकी पास वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू रूट टू जी एच, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस h का मान क्या होगी, पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर कर जाए। तो देखिए तो नीचे पहुंचने पर जो वेलोसिटी होगी ना, v इज इक्वल टू रूट टू जी एच, ठीक है। तो v इज इक्वल टू जो रूट टू जी एच आएगी, देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट टू जी एच, ये आएगी नीचे आने पर वेलोसिटी, ठीक है। इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन रूट ऑफ 5gr। ये आप जानते हैं, अगर हमें पूरा लूपिंग लूप कराना है, ठीक है, तो उसके लिए बॉटम पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, रूट 5gr से ज्यादा होनी चाहिए। तो बस ये वेलोसिटी है, रूट 5gr ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो 2gh ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर लो जो भी चलेगा, तो 5gr, ठीक है। जी से जी कट जाएगा, तो एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 5/2 टाइम्स ऑफ आर। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये h is getting equal to 5/2 times of r, ठीक है। चलो अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, चलो आते हैं 62 क्या कह रहा है, देखिए 62 पे क्वेश्चन नंबर 62 ये आपकी स्क्रीन पर, ये लो। अब देखो स्टोन ऑफ मास m इज रोटेटिंग ऑन सर्कुलर पाथ यूजिंग ए स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग की हेल्प से अपन एक स्टोन को सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, ठीक है। इफ स्ट्रिंग रिलीज देन स्टोन फ्लाइज, तो जैसे अपन स्ट्रिंग को छोड़ेंगे, डोरी को छोड़ेंगे, तो छोड़ते से पत्थर की तरफ उड़ जाएगा बेटा, जो उसकी स्पर्श रेखी वेग की दिशा है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो हमेशा वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की दिशा में जाता है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी है, टुवर्ड्स टेंजेंट वेलोसिटी, मतलब स्पर्श रेखी वेग की दिशा में, स्पर्शीय वेग की दिशा में जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, थर्ड, ठीक है। चलो 62 के बाद देखें 63 कह रहा है कभी कभी कार मुड़ते समय पलट जाती है, तो पलटती क्यों है, जब ये पलटती है तो बच्चों पलटती क्यों है, स्यूडो बल कारण। तो पलटेगी तो पहले जो अंदर वाले टायर है, अंदर वाले टायर का मतलब क्या, जो यहाँ पे सर्कुलर पाथ के अंदर की तरफ जो टायर होते हैं, पहले वो पहिए जो है सड़क से संपर्क छोड़ेंगे। किस तरह से, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, इस तरह बच्चों यहाँ पे ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस पर ये कार टर्न कर रही है, ठीक है, कार ये टर्न कर रही है, ये इसके सर्कुलर ट्रैक के अंदर वाले टायर है, ठीक है, ये टायर। तो बच्चों देखो यहाँ पे इस तरह से ये कार यहाँ पे इस रोड पे मूव कर रही है, इस रोड पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे इसकी सर्कुलर रेडियस होगी, इस पे जो सूडो फोर्स लग गया, कहाँ लग गया इस पे सूडो फोर्स, इस तरफ, इस पे सूडो फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, एफ पी सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की वजह से यहाँ पे हम देखेंगे ये इस तरफ पलटेगी, ठीक है, इस तरफ पलटेगी, मतलब इस पॉइंट के सापेक्ष ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। तो ये जो टायर है, ये वाले टायर यहाँ पे पहले कॉन्टैक्ट छोड़ेंगे, मतलब जो अंदर वाले टायर है, ठीक है, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट लूज होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट लीव, ठीक है, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट लीव होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट लीव। तो पहले अंदर वाले टायर संपर्क छोड़ते हैं, तो इसलिए क्या जाएगा आंसर, और आउटर ये इनर व्हील्स लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट, ठीक है, आइए समझ, तो ऐसे अपन इसको समझ सकते हैं। चलो अब आगे आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 64 पर, देखिए 64 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे हाथ की घड़ी, जो घड़ी होती है कोई घड़ी, वैसी भी घड़ी हो, घड़ी मिनट और घंटे वाली सुई की कोणीय चाल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा, कोणीय चाल मतलब ओमेगा अनुपात निकालना है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू आप जानते हैं थीटा पॉन टी होता है, ठीक है, थीटा पॉन टी। तो थीटा तो यहाँ पे कितना होगा, 2π, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें ओमेगा समानुपाती क्या बनेगा, 1/T, तो उसको अपना वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ओमेगा 1/ω2 इज इक्वल टू T2/T1। तो पहले यहाँ पे कौन सी बोली गई है, पहले यहाँ पे बोली गई है मिनट हैंड, ठीक है, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई का टाइम कितना होता है, मिनट वाली सुई को अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में कितने लगते हैं, 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। किसकी वैल्यू पुट कर दी, T1 की वैल्यू। अब देखें T2 कौन सी, यहाँ पे आवर हैंड, तो घंटे वाली सुई को पूरा एक राउंड करने में कितने लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं, 12 आवर, ठीक है। यहाँ से आवर से आवर कट जाएगा, तो कितना रेशो, 12/1, तो 12/1 कौन सा आंसर आ गया, थर्ड, ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब आ गए हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 64 के बाद 65, तो चलो 65 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, देखिए ये रहा आपसे कह रहा है कि जब कोई कार एक कॉन्वेक्स ब्रिज से गुजर रही है, उत्तल पुल से गुजर रही है, ठीक है, तो उस केस में इस पर कितना फोर्स एक्ट होगा पुल पर, यह हमें बताना है, पुल की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ बच्चों इस तरह से कॉन्वेक्स ब्रिज इस तरह से होता है, यहाँ से ऊपर से कोई कार गुजर रही है यहाँ से, ठीक है, तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, तो बेटा देखो इसमें
इसका केंद्र बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इसमें, ये इस तरफ ये सर्कुलर पाथ का। तो यहाँ पे जो एम जी फोर्स है यहाँ लग रहा है एम जी फोर्स इसका, ठीक है एम जी फोर्स, एंड नॉर्मल एक्शन कहाँ लग रहा है इस तरफ एन, ठीक है। फिर हम जानते हैं यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसे कहते हैं, सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है। तो ये लग रहा है सेंटर की तरफ, ये लग रहा है सेंटर से बाहर की तरफ, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या आएगा, एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन को ही हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्री बल, तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आएगा। तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर कौन से ऑप्शन में है, ये रहो फोर्थ ऑप्शन में, इसको अपन टिक कर लेंगे, ओके। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66। चलो 66 की बात करते हैं, क्या कह रहा है देखिए 66 में। अब यहाँ पे बच्चों आपसे कह रहा है कि ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर दे रखा है, मतलब कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर गिवन है, आपको क्या निकालना है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का आपको करना है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट करना आता ही होगा आपको, ठीक है। आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखते हैं, ठीक है। तो पहले ओमेगा वैली वैल्यू को अरेंज करें, ओमेगा वैली वैल्यू कौन सी है, ये रही 3 - 4 - 1 3 - 4 - 1, फिर आर वाली वैल्यू को देखें 5 - 6 - 6 5 - 6 - 6, तो ये वैल्यू अपन देख रहे हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पे हम इस आई वाले इसको इन दोनों को छुपाएंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो क्या होता है यहाँ पे -4 × 6 करेंगे कितना जाएगा -24, ठीक है -24 क्या मतलब, पहले यूँ लिखते हैं आई कैप, ठीक है आई कैप, पहले इसको मल्टीप्लाई किया -24 - फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -6, तो 1 × -6 कितना आएगा -6, तो यहाँ रख देंगे -6 तो +6 बन जाएगा, ठीक है -6 ये आ गया। उसके बाद चलो फिर आगे देखें -j कैप, तो -j कैप रखेंगे, तो -j कैप में क्या इसको हाइड करेंगे छुपाएंगे, तो 3 × 6 = 18 लगा दिया मैंने, फिर माइनस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 × 5 = 5, ठीक है। फिर हम लिखते हैं +k कैप, तो +k कैप में हम इसको हाइड करेंगे, इसको छुपाएंगे, तो 3 को -6 से मल्टीप्लाई करें -18, तो -18, फिर हम माइनस खुद से लगाएंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करें 5 को -4 से, तो -20 यहाँ रखेंगे +20 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया देखिए, यहाँ पे आ गया -24 + 6 है, तो -18 i कैप, ये हो जाएगा 18 - 5 करेंगे तो 13, बढ़िया में नेगेटिव साइन है, तो -13 j कैप, और वो कितना हो जाएगा +2 k कैप। तो देखिए कौन सा आंसर है यहाँ पे, ये सेकंड, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, ओके। चलो आगे थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 67 क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 67, ये रहा AR and AT represent radial and tangential acceleration, ठीक है। AR यहाँ पे radial acceleration मतलब centripetal acceleration बात कर रहा है, ठीक है, मतलब ये चीज क्या बता रहा है आपको, centripetal acceleration है ये अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है, क्या है centripetal acceleration, centripetal मतलब ये AC को बता रहा है, AC centripetal acceleration मतलब AC को बता रही है अभिकेंद्रीय त्वरण को, AC को बता रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक समान वृत्ति गति हो रही है, तो उसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन है जिसे हम रेडियल एक्सप्रेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, उसका मान कभी जीरो नहीं हो सकता, एसी तो हमेशा होता ही होता है, तभी तो वृत्ति गति होगी, ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए एसी हमेशा प्रेजेंट होता है, डेफिनेटली होता ही होता है, ठीक है। तो एसी क्या जाएगा नॉन जीरो, और सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें टेंजेंशियल एक्सप्रेशन क्या आएगा जीरो, ठीक है, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि एटी का मान जीरो, इसलिए आंसर क्या जाएगा थर्ड, ठीक है थर्ड आंसर टिक करेंगे। चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखें 68 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, इन 1 सेकंड पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी मूविंग इन अ सेमी सर्कुलर रेडियस ऑफ 1.0 मीटर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को, ठीक है वी एवरेज इक्वल टू था बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से देखो यहाँ से तक ये पाथ है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट 2r के इक्वल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 2r के इक्वल, डायमीटर के इक्वल, व्यास के बराबर, ठीक है। तो यहाँ रख दें वैल्यू 2r, r हमें रेडियस कितने रखी है, रेडियस दे रखी है 1.0 मीटर, तो 1.0 मीटर रख दिया इसको अपन ने, और टाइम में कितना गिवन है 1.0 सेकंड, तो 1.0 सेकंड अपन ने टाइम रख दिया, तो क्या आ गया आंसर ये 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ओके ठीक है टाइम यहाँ पे कितना बन जाएगा 2, तो कौन सा आंसर आ गया इसका ये 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या आंसर 2 मीटर पर सेकेंड। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो
देखिए बच्चों ये रहा क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है आपसे, कार इज मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे वेलोसिटी की वन है, रेडियस की वन है, और कह रहा है कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है इस रेट से, मतलब आपको ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब स्पर्शी त्वरण दे रखा है आपसे, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ कार, मतलब टोटल एक्सेलरेशन ऑफ कार में इसका फाइन करना है, कार का टोटल एक्सेलरेशन। तो पहले बच्चों आपका देखो ए, ए का मान आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा जो एक्सेलरेशन है सेंटीपेटल एक्सेलरेशन, ये एसी, एसी इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी हमें गिवन है यहाँ पे 30, 30 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन आर, आर कितना यहाँ पे 500 मीटर, तो ये ऊपर हो जाएगा 900 अपॉन 500, मतलब 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है टोटल एक्सलेशन, तो टोटल एक्सलेशन क्या होता है यहाँ पे, ये अंडरूट ऑफ, कि दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, ए एंड ए सी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इससे इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू ये बन जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी लगभग 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ओके चलो अब आगे आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या कह रहा है, आओ इसको देखते हैं। ये रहा आपसे कह रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट स्पीड, फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग क्वार्टर साइकिल। तो बच्चों एक चौथाई चक्र में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अपनी प्रारंभिक वेलोसिटी से लंबवत हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगी। देखो इस तरह से यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल अभी यहाँ पर है, ठीक है, इधर जा रहा है और चौथाई चक्र के बाद यहाँ पहुँच गया इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ये V1 इज इक्वल टू V, V2 इज इक्वल टू V, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो V1 परपेंडिकुलर V2 है, इसलिए यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा V क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा cos 90। तो cos 90 कितना होता है बच्चों, 0। तो इसलिए ये क्या आ गया, V² + V² √2 × V, ये जाएगा चेंज इन वेलोसिटी √2 × V। तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट, 70 का फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 71 पे। देखिए 71 आपसे क्या कह रहा है, चलो इससे बात करते हैं 71 से। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी की कोणीय चाल क्या है। ठीक है, कोणीय चाल कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T से, मतलब देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थी 2π/T, 2π/T यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड। तो बच्चों अर्थ का जो अपनी एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है, अपनी एक्सिस पर रोटेशन कितने टाइम पूरा करती है बच्चों, 24 घंटे में, 24 आवर्स में टोटल कितने सेकंड होते हैं, ये होते हैं 86400 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे यह आ जाएगा इसका रिजल्ट 2π/86400 रेडियन पर सेकंड के फॉर्म में ये रिजल्ट बन जाएगा। ये लो फर्स्ट आ गया आंसर 71 का। ठीक है चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पर। देखिए 72 पर आए अपन, क्या कह रहा है देखो 72, ये रहा अ बॉडी इज मूविंग इन सर्किल विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बॉडी सर्किल पे घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है बॉडी। ठीक है, इट्स वेलोसिटी गेट्स डबल, फाइंड आउट रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन आफ्टर एंड बिफोर चेंज। तो देखिए यहाँ बच्चों इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कार्य करेगा इस पे, क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और इस ए सी की वैल्यू क्या होती है, V² / R। तो यहाँ से हम देखें ए सी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V². ठीक है, इसने अपनी वेलोसिटी डबल कर ली है। तो देखिए अब कह रहा है देखो यहाँ पे एक आफ्टर वर्ड यूज है, बाद में बिफोर, तो क्या निकालना है बेटा आपको, A2/A1। क्या निकालना है, A2/A1। तो A2/A1 करेंगे तो क्या आएगा, V2/V1। ठीक है, कि A = V² / R, तो A = V², तो A2/A1, V2/V1। तो V2 यहाँ पे कितना डबल कर दिया आपने, वेलोसिटी डबल कर दी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/1। तो 4/1 से कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, क्लियर, 72 का फोर्थ। तो ये ध्यान रखना, कई बार जल्दी सबसे पूछता है रेशियो फाइंड करो, तो अपन ठीक है A1/A2 निकालते हैं, जब उसने क्लियर बोल दिया कि पहले आफ्टर बाद में बिफोर है, तो ये ध्यान रखें जल्दीबाजी मिस्टेक करेंगे, तो इसलिए आपने हो सकता है कई बच्चों ने इसका आंसर फर्स्ट भी टिक कर दिया होगा जल्दीबाजी में, तो ऐसे गलती ना करें आप। ठीक है चलो आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पर। ठीक है, देखिए 73 क्या कह रहा है आपसे, 73 क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सेकंड वाली सुई है उसकी लंबाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 15 सेकंड में इसकी नोक के वेग में परिवर्तन क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी,
तो 15 सेकंड में तो बच्चों उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वही अपन ने अभी देखा था क्वेश्चन क्वार्टर साइकिल, तो 15 सेकंड में क्वार्टर साइकिल होगा, ठीक है, चौथाई चक्री होगा, तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कितना आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू, अभी बताया था आपको मैंने, डेल्टा वी इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ वी, ये होगा, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी रूट टू टाइम्स ऑफ वी, तो ये अपन ने चेंज निकाल लिया, ये आ गया चेंज की वैल्यू रूट टू टाइम्स ऑफ वी। अब यहाँ पे देखिए वी, वी इज इक्वल टू, तो वी यहाँ पे स्पीड है, स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे पूरा सर्किल अपन जानते हैं कितने डिस्टेंस में ट्रेवल होता है, 2πr जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल होती है 60 सेकंड में, ठीक है, तो उसको अगर अपन लिखें 2πr अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका यूज कर रहे हैं अपन, देखिए तो रूट टू इंटू टू पाई आर, आर की लेंथ कितनी रखी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में ना, तो आर को 1 रख दो, टाइम कितना है 60 सेकंड, 60 सेकंड लगते हैं इसको, ठीक है, 1 राउंड पूरा करने में 60 सेकंड, तो ये तो सेंटीमीटर में रख दिया, ये सेकंड के फॉर्म में, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 30 टाइम्स, ठीक है, तो क्या होगा रूट टू पाई अपॉन 30, तो पाई रूट टू अपॉन 30 सेंटीमीटर पर सेकंड किस में, फोर्थ में, पाई रूट टू अपॉन 30, तो पाई रूट टू अपॉन 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ से फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं इसमें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे, देखिए 74 क्या कह रहा है आपसे, ये रहा मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवरब्रिज ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ड्राइवर मेंटेन इट्स कॉन्स्टेंट स्पीड एट द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन ओवरब्रिज द नॉर्मल फोर्स ऑन इट, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की बतानी क्या होगी इसके अंदर, ठीक है, तो देखिए यहाँ बच्चों इसमें डायग्राम से समझे अपन क्या कह रहा है, देखिए इस तरह से ये कोई ओवरब्रिज है, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स ब्रिज है, यहाँ से ये पार्टिकल, ये इसका चलो ये अपन बेस समझें, इसका बेस है, यहाँ से अभी पार्टिकल यहाँ पर पहुँच चुका है, कार यहाँ पहुँच चुकी है इस जगह, ठीक है, यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है, ये इसकी रेडियस, तो यहाँ पे देखिए इस जगह इस पर जो फोर्स लगेंगे कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पर, एक तो लग गया एम जी फोर्स नीचे की तरफ, ये लग गया एम जी फोर्स, इस तरह से लग रहा है एम जी फोर्स, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग गया इस तरफ से, येलो एन अपन ने शो कर दिया नॉर्मल रिएक्शन एन, क्लियर। अब यहाँ से हम देखें थोड़ी देर के लिए सोचें ये एंगल थीटा है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से एम जी के अगर अपन कंपोनेंट करें तो देखो ये एंगल थीटा है, तो बेटा यहाँ पे समझना बात को, ये थीटा ये आएगा 90 माइनस थीटा, अभी 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल थीटा आएगा, ठीक है, तो एम जी के करें कंपोनेंट, इधर तो आएगा एम जी कॉस थीटा, इधर आएगा एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा ये आ गया कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे ये जो वृत्ति सर्कल दे रखा है, सर्कुलर पाथ देखा है, सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे इसमें केंद्र की ओर बल कितना लग रहा है, mg sin थीटा, और यहाँ पे इधर लग रहा है n, तो हम जानते हैं अभी केंद्रीय बल होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, तो mv स्क्वायर अपॉन r किसके इक्वल होता है यहाँ पे, mv स्क्वायर अपॉन r की जो वैल्यू है ये इक्वल होती है किसके, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, केंद्र की ओर लगने वाला नेट बल, तो ये लग रहा है इधर mg sin थीटा, इधर लग रहा है n, तो केंद्र की ओर इस तरफ परिणामी बल कितना हो गया, नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस एन, ठीक है, एम जी साइन थीटा माइनस एन, तो यहाँ से एन निकालेंगे आप, तो एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, ठीक है, एन को इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर जाएगा एंगल थीटा का मान क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, तो ऊपर चढ़ते टाइम, तो यहाँ पे ऊपर चढ़ने की बात कर रहा है, चढ़ने के दौरान तो यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो थीटा इंक्रीज होगा, थीटा के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, साइन थीटा इंक्रीज होगा, तो साइन थीटा इंक्रीज होने से एन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज, तो एन क्या होगा बेटा यहाँ पे, इंक्रीज, तो आंसर आ गया एन इंक्रीज, तो क्या जाएगा आंसर, बढ़ेगा, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा यहाँ पे, बढ़ेगा, ये चीज अपन देख ली, क्लियर। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 75 पे, देखो चलो 75 की बात करते हैं, क्या कह रहा है देखिए 75 में, क्वेश्चन नंबर 75 सिलेंड्रिकल वेसल इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल सेंट्रल एक्सिस इट्स सरफेस विल, तो देखिए क्या कह रहा है बच्चों आपसे, यूं कह रहा है आपसे इस केस में, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, इस तरह से ये सिलेंड्रिकल पात्र है, इसको अपन इस एक्सिस के सापेक्ष घुमा रहे हैं, इसको इस एक्सिस के सापेक्ष घुमा रहे हैं, इस तरह से ये घुमाएंगे, तो उसको घुमाने पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, अब क्या होगा बच्चों, वाटर पे सुडो फोर्स लग गया, तो सुडो फोर्स लगने की वजह से वाटर कुछ इस तरह से ये बाहर की तरफ सुडो फोर्स लग गया इस पे, वाटर पे सुडो फोर्स, तो इस तरह सुडो फोर्स की वजह से यहाँ पे ये पानी ऊपर चढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में से थोड़ा दब जाएगा और किनारों से ऊपर चढ़ जाएगा, क्यों, सुडो फोर्स की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे ये पर लग गया सुडो फोर्स, ठीक है, सुडो फोर्स यहाँ पे लग गया, ठीक है, तो सुडो फोर्स यहाँ पे लगने की वजह से, ठीक है, सुडो फोर्स जो है
इसकी वजह से ये इधर चढ़ेगा, थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? राइज फ्रॉम साइड्स, ठीक है, किनारी की तरफ से चढ़ेगी, बट यहाँ पे पानी की सतह जल की तरफ किनारी की तरफ से ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 76 पे बात करें। 76 ये रहा, 76 आपसे कह रहा है कि बच्चों एक कण ए पार्टिकल कवर्स हाफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, एक कण नियत चाल से आर त्रिज्या के आधे वृत्त पे चलता है। ठीक है, आधा उसने पथ कवर कर लिया है, तो आपसे कह रहा है कि इसमें संवेग में परिवर्तन mvr होगा। नहीं, गलत बात है, क्योंकि mvr तो वैसे कोणीय संवेग होता है, पहली बात ही गलत हो गया। ठीक है, गतिज्वला में परिवर्तन हाफ एम वी स्क्वायर होगा। तो चो गतिज्वला तो क्या रहेगी इसकी, नियत, क्योंकि नियत चाल चल रहा है तो गतिज्वला तो नियत रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो कोई चेंज होगा नहीं, काइनेटिक फिक्स रहेगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि गतिज्वला में परिवर्तन एम वी स्क्वायर होगा, ये भी गलत है, क्योंकि जब चाल ही नियत है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, तो क्या जाएगा इसका आंसर, फोर्थ। ठीक है, तो 76 का आंसर क्या टिक करेंगे, गतिज्वला में परिवर्तन शून्य होगा। ठीक है, आई बस समय, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। 77 आपसे कह रहा था मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार ऑन रफ रोड ऑन रोड टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर, इस पर हमें मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकालनी है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.4। तो आपको पता है ये बेटा मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, तो यहाँ पे म्यू कितना है 0.4, आर रेडियस ऑफ टर्न कितनी गिवन है आपको यहाँ पे 30 एंड ग्रेविटी 10। तो यहाँ पे कितना जाएगा रूट ऑफ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 3 20, 1 120, तो 12 120, तो 120 का रूट लगभग कितना जाएगा यहाँ पे 10 से ज़्यादा ही जाएगा, और 11 के समथिंग मान लो, तो यहाँ पे 10.84, ठीक है 10.84 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 78 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 ये देखो आपसे कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, अभिकेंद्री बल के कारण अभिकेंद्री त्वरण लग गया, केवल क्या लग गया, अभिकेंद्री त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो तो क्या होता है केंद्र की ओर, और वेलोसिटी क्या होती है टेंजेंट की ओर, मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में, मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो आएगी इस तरफ अगर पार्टिकल यूं घूम रहा है। ठीक है, तो उसका सेंटर पे एक्सेलरेशन आएगा एसी। तो यहाँ पे दोनों की दोनों आपस में क्या है, परस्पर लंबवत हैं, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 78 के बाद 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 आपसे कह रहा है कि एक प्रेक्षक है, मतलब एक ऑब्जर्वर है, कहाँ पर इस मास एम पर उपस्थित है, मतलब एम के रेस्पेक्ट में बात करनी है, तो इस एम के रेस्पेक्ट में इस प्रेक्षक के सापेक्ष एम पे लगने वाले बल कौन कौन से होंगे बताने, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो चो देखो ये जो फ्रेम है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मतलब एक तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसलिए यहाँ पे सूडो फोर्स भी शो करेंगे, क्योंकि इस एम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो सूडो फोर्स अपन यहाँ पे देखें, तो देखिए सूडो फोर्स कहाँ लगेगा इस पे, इधर की ओर एफ। ठीक है, इसका एम जी कहाँ लग गया नीचे, तो वास्तविक फोर्स एम जी लगता ही लगता है, और एक टेंशन फोर्स टी, ये तीन बल लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ गया इसका, क्या जाएगा ये थर्ड एम जी, मतलब वेट। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे इस पर्सन के रेस्पेक्ट नहीं बोलता, इस मास के रेस्पेक्ट नहीं बोलता, हमसे कहता कि प्रेक्षक यहाँ धरातल पे खड़ा है, तो रेस्पेक्ट मतलब यहाँ पे कहाँ खड़ा है ग्राउंड पे, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो फिर हम यहाँ पे सूडो फोर्स शो नहीं करेंगे, तो हम केवल क्या दिखाएंगे सेकंड, तब आंसर सेकंड आएगा, कब, अगर प्रेक्षक कहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे। ठीक है, तो उस केस पे सूडो फोर्स नहीं लगता, तो इसलिए हम आंसर सेकंड टिक करते तब। चलो अभी तो खैर आंसर थर्ड आएगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 80 क्या कह रहा है आपसे, ये रहा आपसे कह रहा है कि पार्टिकल मास m है, m मास का पार्टिकल है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, त्रिज्या इसकी r है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बल f लग रहा है, तो उसकी स्पीड बतानी है आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उस पर कौन सा लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी वैल्यू गिवन है f, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से v स्क्वायर निकालेंगे तो क्या जाएगा एफ आर अपॉन एम। ठीक है, एफ आर अपॉन एम इसका रूट कर दो तो एफ आर अपॉन एम का रूट कितना जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा रूट ऑफ एफ आर अपॉन एम। ठीक है, चलो 80 के बाद आए क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो 81 क्या कह रहा है, 81 देखिए 81 पे आते हैं, ये 81 आपसे कह रहा है कि व्हेन ए सीलिंग फैन स्विच ऑफ। ठीक है, पंखे को अपन जस्ट स्विच ऑफ करते हैं, धीरे धीरे इसकी स्पीड डिक्रीज होने लगती है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 36 रोटेशन के बाद इसकी स्पीड 50% रह जाती है, 50% मतलब आधी रह जाती है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि और कितने रोटेशन करेगा रेस्ट माने तक, विराम अवस्था माने तक, और कितने एक्स्ट्रा रोटेशन करेगा
ये आपको बताने, एक समान बंधन माना जाए ये आपसे कह रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे मैं बच्चों एक तरह से ओमेगा की जानकारी दे रखी है एंड अल्फा की जानकारी, अल्फा कॉन्स्टेंट है इसलिए अपन यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू अल्फा थीटा। तो यहाँ से देखिए अगर मैं टू अल्फा थीटा निकालूं तो क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें इस थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, यही वैल्यू। चलो अब यहाँ से निकालते हैं इसका रेशो। तो देखिए थीटा डैश अपॉन थीटा करेंगे तो थीटा डैश अपॉन थीटा में पहले अपन यहाँ पे थीटा की वैल्यू सोचें, तो यहाँ पे हमें पहले इनिशियल मान लो ओमेगा नॉट है, बाद में घट के कितनी रह गई, ओमेगा नॉट बाई टू। तो यहाँ पे थीटा के लिए देखिए ओमेगा नॉट बाई टू स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, पहले वेलोसिटी कितनी थी ओमेगा नॉट, फिर कितनी रहेगी ओमेगा नॉट बाई टू, बाद में फिर थीटा डैश वाली कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा नॉट बाई टू इनिशियल वैल्यू होगी और फाइनल वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे तो आएगा ओमेगा नॉट बाई टू, ठीक है, और फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से हमें देखना है, तो इसका रेशो निकालें, तो ऊपर तो कितना गया बेटा, माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, और नीचे कितना आएगा, वन बाई फोर माइनस वन करेंगे तो माइनस ऑफ थ्री बाई फोर, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो माइनस से माइनस गया, ठीक है, तो क्या जाएगा रिजल्ट, माइनस कट जाएगा, फोर कट जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर कट जाएगा, तो वन बाई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आपको थीटा कितना गिवन है, थीटा गिवन है 36, तो 36 रख दिया तो थीटा डैश कितना हो गया, थीटा डैश 36 मतलब 12, ठीक है, तो थीटा डैश वैल्यू 12 हो जाएगी, तो आंसर कौन सा आया, सेकंड, तो हम सेकंड को टिक करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82, देखिए 82 क्या है, हाउस पे 82 पे, ये रहा 82, अभी केंद्रीय त्वरण है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है इसके बारे में बताना है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, देखो इसकी दिशा हमेशा क्या होती है, टुवर्ड सेंटर, और पार्टिकल चूंकि मूव कर रहा है कंटिन्यू इसलिए इसकी दिशा भी लगातार चेंज होती रहती है, इस प्रकार देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, देखो इस तरह से यहाँ पे इस तरह पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, अभी पार्टिकल बच्चों यहाँ पर इस जगह, ठीक है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर हो गया इस तरह से एसी वेक्टर, ठीक है। अब जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसका एसी आ गया इस तरफ, तो देखिए लगातार इस एसी वेक्टर की दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जब यहाँ पहुंचेगा तो इस तरफ, तो इस तरह से लगातार एसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब ये एक तरह से वेरिएबल वेक्टर है, नॉट ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। तो पहला कह रहा है नियत वेक्टर है, गलत है, कॉन्स्टेंट स्केलर, स्केलर ही नहीं है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड तो उसका चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, फिर नॉट ए कॉन्स्टेंट वेक्टर, हाँ ये बात सही है, कॉन्स्टेंट वेक्टर नहीं, क्योंकि डायरेक्शन लगातार इसकी चेंज हो रही है, तो आंसर क्या टिक करेंगे, फोर्थ, ठीक है। चलो अब आ गए थे नेक्स्ट 83 पर, क्वेश्चन नंबर 83, देखिए क्या कह रहा है 83, ये लो 83, क्वेश्चन नंबर 83, इस पे आते हैं, कॉइन प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ठीक है, हमने सेंटर से 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक सिक्का रखा है, ठीक है, और डिस्क रोटेट हो रही है, ठीक है, तो बच्चों देखो फिसलना जस्ट प्रारंभ कर रहा है सिक्का, तो इसकी कंडीशन क्या है, देखिए इस तरह से ये कोई डिस्क है, ठीक है, ये कोई डिस्क है, यहाँ पे ये इस एक्सिस के अबाउट बेटा यहाँ पे घूम रही है, इस तरह से घूर्णन कर रही है। अब यहाँ पे इसमें कोई कॉइन आपने रख दिया, इस पर सिक्का रख दिया, तो यहाँ पे देखिए इस जगह अगर अपन कोई कॉइन रखेंगे, इस जगह कोई कॉइन आपने रख दिया, इस जगह सिक्का, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉइन आपने रख दिया है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर आपने कोई कॉइन रख दिया है, तो उस पर सूडो फोर्स, क्योंकि ये बेटा इसमें अभी केंद्रीय त्वरण कहाँ आएगा, केंद्र की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन क्या आ रहा है बेटा, एसी आ रहा है, एसी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है, तो उस पर कॉइन पर सूडो फोर्स लगा इस तरफ से, ये सूडो फोर्स एक्ट होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, सूडो फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से सिक्का फिसलने की टेंडेंसी में आएगा, और उसको फिसलने से बचाएगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स, इस तरफ लगेगा बेटा ये फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ से वही हम फिसलने की टेंडेंसी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर आर को आप किसके इक्वल करेंगे, एफ एल, एंड एफ एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एन, एन यहाँ पे एम जी के बराबर होगा, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से देखिए सारी वैल्यू पुट कर दी अपन ने, तो देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर, अब यहाँ से देखें हमें यहाँ पे बात कर रहा है ओमेगा को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को अपन चेंज कर रहे हैं, जिससे डिस्टेंस बतानी जस्ट क्या होगी, तो यहाँ से आर एंड ओमेगा में रिलेशन क्या निकल गया, आर इज प्रोपोर्शनल टू आर है 1/ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से हम आर कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर नीचे आएगा, मीन्स आर इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर,
तो यहाँ से हमने इसकी कोणीय चाल ट्रिपल कर दी है, इसको तीन गुना कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, मतलब 1/9 टाइम्स 1/9 गुना हो जाएगा। तो पहले कितना था 9 सेंटीमीटर, उसका 1/9 गुना कर दो तो कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो क्या जाएगा इसका आंसर 1 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा इसका आंसर 4th 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे। 84 में कह रहा है कि यहाँ पे एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 6.4 मीटर, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय मोटरसाइकिल एट बॉटम टू कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। ठीक है, तो चलो देखिए यहाँ पे अपन एक चीज जानते हैं, इसमें समझना क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो जब भी कोई सर्कुलर मोशन है, ठीक है, यहाँ पे कोई बाइक सवार यहाँ पे मूव कर रहा है, इसको अपना ये पूरे पाथ पे घूम रहा है इसको, ठीक है, पूरे पाथ पे इसको घूमना है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर जिस बॉटम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ऑफ 5gr, इससे इक्वल या इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पे ये अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v पूछा गया कि यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कम से कम रिक्वायर्ड वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए v इज इक्वल टू रूट 5gr, तो रूट ऑफ 5g कितना है 10, r कितना है यहाँ पे 6.4, ठीक है, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा 64 × 5, ठीक है, तो उसका अपन रूट करेंगे तो लगभग 17.7 के समथिंग आ जाएगा, लगभग 17.7, ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा ये फर्स्ट 17.7, ठीक है, लगभग ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 देखिए क्वेश्चन नंबर 85 आपसे क्या कह रहा है, आइए 85 पे देखिए। 85 आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक गेंद को एल लंबाई की डोरी से लटकाया गया है, ठीक है, अब इस गेंद को क्षैतिज दिशा में कितना वेग दिया जाए, हॉरिजॉन्टल कितना वेग दें कि लटकन बिंदु तक ऊंचाई तक पहुंच सके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक। तो देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है बच्चों, यहाँ पे इसमें ये पहले इस जगह पोजिशन थी, हमें इसको कहाँ पहुंचाना है, इस जगह तक पहुंचाना है, तो इस पाथ के थ्रू यह आ जाएगी ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम कितनी रखें, ये आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी का मान क्या रखें कि यहाँ तक पहुंच जाए। तो बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, h इज इक्वल टू l, ठीक है, इसकी हाइट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है l, तो यहाँ पे हम देखें ऊपर जाने पर इसमें ke में तो लॉस होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा गेन, पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है पूरा की पूरा 1/2 mv² को यहाँ पहुँचने पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना पूरा पूरा 1/2 mv² यहाँ पे लॉस हो गया है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी गेन की बात करें mgh, ठीक है, mgh, h कितना है बेटा l, तो यहाँ से m से m कट गया तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा रूट ऑफ 2gl, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gl, तो कौन सा आंसर है ये फोर्थ, ठीक है, तो आ जाएगा 85 का फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 ये रहा, आपसे कह रहा है कि यदि एक कण की स्थिति, ठीक है, स्थिति सदिश आपको बता रहा है कि इस तरह से अपन बता रहे हैं पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, तो सर्क्यूमफेरेंस बतानी है इसके पाथ की परिधि क्या होगी, सर्क्यूमफेरेंस, तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें यहाँ पे जो आर आपको गिवन है, ठीक है, इसका परिमाण निकाल लें सर्क्यूमफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे आई कैप जे कैप दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आर का अगर अपन मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस आएगी रेडियस, ठीक है, रेडियस मैग्नीट्यूड ऑफ आर या आर अपन निकालें, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी देखिए इसकी रेडियस इज इक्वल टू रेडियस निकल के आएगी रूट ऑफ, रूट ऑफ यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे आई का मल्टीप्लायर क्या है 4 sin 2πt² प्लस जे का मल्टीप्लायर कितना है 4 cos 2πt² ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 sin 2πt 4 cos 2πt होल स्क्वायर अपन ने कर दिया, अब यहाँ से क्या निकल गया देखो 4 तो कांस्टेंट है 4 को तो बाहर ले आओ, रूट के अंदर क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये तो 1 हो गया, तो क्या है 4 × 1 मतलब 4, तो ये 4 तो क्या निकाल लिया अपन ने रेडियस, अब हमसे पूछा है परिधि सर्क्यूमफेरेंस, अब सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है c इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, लेंथ ऑफ ए सर्किल बस 2πr, ठीक है, तो यहाँ पे r को रख दें कितना 4, तो r को 4 रख दो तो कितना आएगा आंसर 8π, तो कौन सा ऑप्शन में 8π लिखा हुआ है ये रहा थर्ड, तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा 8π के इक्वल, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे 87 पे, देखिए 87 क्या कह रहा है यहाँ पे, आए 87 पे ये रहा, ये तो मैं डायरेक्ट अपन को पता ही है जो रिजल्ट होता है बंकन एंगल की बात कर रहा है, बंकन कोण की, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते से जो
बैंकिंग इन रोड है उसमें मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी हमसे पूछा कि क्या होगी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, ठीक है, तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी में क्या होता है रूट ऑफ जी आर, ठीक है, कहाँ गया ये भाई, ये रहा, यहाँ बच्चों इसमें देखिए, ये रहा, तो इसमें मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला था रूट ऑफ जी आर ब्रैकेट में म्यू प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू टेन थीटा, तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सेकंड आंसर आएगा इसका। ओके चलो आगे आते हैं इसके अंदर 88, 88 में अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, देखिए 88, ये रहा 88 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ नॉर्मल रिएक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी मैक्सिमम, कहां पे नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगी ये हमें बतानी है। तो चलो देखो यहां पे समझना बात को, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पार्टिकल ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा इस तरह से, ये जो उसका पाथ बनेगा, ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो इसमें एन तो कहाँ लग गया इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और इस पे एन इधर लग रहा है, फिर देखिए बच्चों इसमें एम जी फोर्स भी कहाँ लग गया इधर की ओर, एन भी इधर है एम जी फोर्स भी इधर है, ठीक है, और ये इसकी आर इसकी रेडियस है सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो यहां से देखिए दोनों की दोनों किधर लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एन भी नीचे की तरफ है एम जी भी नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे जो इन दोनों का योग है सम है वो किसको बताएगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो यहां से देखिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आएगा एन प्लस एम जी, ठीक है एन प्लस एम जी, तो यहां से एन अगर अपन निकाले तो एन इज इक्वल टू क्या आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी के इक्वल, ठीक है। तो बेटा देखो जहां पे आर सबसे स्मॉलेस्ट होगी रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट होगी वहां पे एन सबसे ग्रेटेस्ट होगा क्योंकि एन का आर के साथ रिलेशन क्या है इनवर्स, मतलब एन इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह जो डी वाला पाथ है वो बहुत ज्यादा बेंड हो रखा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डी वाले पाथ पे डी वाले पॉइंट इस जगह इसमें सबसे छोटी रेडियस है, ठीक है, तो आर डी यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, आर डी इज इक्वल टू मिनिमम है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे एन डी की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, एन डी इज इक्वल टू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगा डी वाले पाथ पे, तो क्या आ गया आंसर इसका डी, ठीक है, तो 88 का आंसर फोर्थ मतलब डी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पर, देखिए 89 क्वेश्चन क्या है, 89 क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास एम मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस आर सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। तो चो आपको लूप कंप्लीट करना है वर्टिकल के केस में, तो वर्टिकल केस में लूप कंप्लीट करने के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर पाथ में आपको जो बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर ये वेलोसिटी बच्चों रूट ऑफ 5gr, रूट ऑफ 5gr के इक्वल है या उससे ज्यादा है तो उस केस में लूपिंग लूप कंडीशन आती है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए इस दो तीन चीजें, यहाँ पे देखें इसमें जब बॉडी यहाँ पहुंचती है अगर आप वेलोसिटी एग्जैक्ट रूट 5gr कर रहे हो तो जस्ट लूपिंग लूप वाली कंडीशन होगी एंड हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, कितनी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे रूट ऑफ gr, ठीक है, रूट ऑफ gr या हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी होती है और लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी है रूट ऑफ 5gr। तो आपसे यहां पे हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी पूछ ले तो रूट gr टिक करेंगे, बट यहां पे हमसे क्या पूछा गया मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी ऑफ मास एम मस्ट एंटर इन वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r, ठीक है, तो यहां पे इसके अंदर एंटर करना है इसको वर्टिकल लूप में, तो इस वेलोसिटी वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ 5gr, ठीक है, तो ही यहाँ पे अपना ये कंप्लीट कर पाएगी सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो इसको हम इस वेग से इसमें ऊर्ध्वाधर पाथ पे प्रवेश कराएंगे तो यहाँ पे इस पे वेलोसिटी है और ऊपर जाने वेलोसिटी कम होती जाएगी आ जाएगी, ठीक है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है v इज इक्वल टू रूट ऑफ 5gr, ठीक है, मतलब इस वेलोसिटी से इसको एंटर करना पड़ेगा, मतलब यूँ कह रहा आपसे ये पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे इसको वेलोसिटी किस वेलोसिटी से इसको हम एंटर करें ताकि ये पूरा आराम से सर्कुलर पाथ घूम जाए, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमें कितनी रखनी पड़ेगी रूट ऑफ 5gr के इक्वल, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है आपसे, 90 एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज, ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है आपसे हमें ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे आपसे क्या गया है 120, बस केवल कुछ नहीं यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है तो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट ऐसा बोला गया है, ठीक है, इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है तो रेडियन पर सेकंड में चेंज करें रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन में कितने होते हैं बच्चों 2 पाई रेडियन, क्या होते हैं 2 पाई रेडियन, मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, ठीक है 60 सेकंड, तो यहां से आप देखो 60 से 120 कितनी बार कट गया 2 टाइम्स, तो यहां पे 2 × 2 4 पाई रेडियन पर सेकंड, कौन सा ऑप्शन है 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ये रहा फोर्थ ऑप्शन 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है, तो इस तरह से अपने
90 क्वेश्चंस काफी अच्छे अपन जो क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आशा करता हूँ पेपर आपका काफी अच्छा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अपन इसको लेवल जो आपको केवल रिवीजन के लिए आपने इसको बनाया गया है आपके लिए। और चलो खैर आज के लिए इतना बोलते, फिर दोबारा मिलते हैं। ओके, गुड बाय।